हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग एसपी सिंपलीफाइड। एंड स्टैट वाला जो पोर्शन है स्टैटिस्टिक में यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए, उसको हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक बिट को, आपकी कोई भी बैकग्राउंड है, इवन दो यू आर नॉट फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड, आप इसको समझोगे एकदम बेसिक जो एग्ज़ाम में आता है उस ओरिएंटेशन से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टैट क्यों देखते हैं। बेसिकली देखिए, स्टैटिस्टिक होता क्या है। देखिए, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है पी, तो वहाँ वो पॉपुलेशन किस तरीके से किस डायरेक्शन में रन करती है, इसको समझने के लिए ना आप क्या करोगे, इंडिविजुअल घर पे जाओगे। आप बोलोगे नहीं, बहुत टेडियस टास्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी हमारे और बहुत ज़्यादा मैन पावर भी लगेगा। जिस तरह की सेंसस होता है, याद होगा आपको इंडिया का सेंसस जो 2011 में लास्ट हुआ था, अब उसके लिए क्या किया था, गेट डोर टू डोर नॉक किए थे, जिस तरीके से वैक्सीनेशन होता है। तो वो बहुत ही टेडियस प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा टेडियस प्रोसेस है। लेकिन फिर हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन हम लोग पे इस पर काम कैसे करेंगे, हम लोग काम करेंगे स्टैट के थ्रू, स्टैटिस्टिक के थ्रू। मतलब हम क्या करेंगे, एक सर्टेन रेंज ऑफ डाटा को लेंगे और हम लोग उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर एंटायर पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक नेचर ऑफ कर्व को पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि ठीक है, मान लो नेचर ऑफ कर्व यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज ऑफ डाटा में, रेंज ऑफ डाटम में हम लोग सर्च करेंगे उन चीज़ों को, उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस वेरिएबल को जो कि उस नेचर को बताएगा, ठीक है। जैसे मानिए किसी भी, आप जैसे एक चीज़ देखते होगे कि ऐड चलता है किसका, तो पॉलिटिशियंस लोगों का, जैसे बीजेपी का, ठीक है, जैसे कांग्रेस का। कभी कभी क्या करते होगे आप, मान लो अगर आपको कुछ एक शूज़ लेना है या फिर कुछ भी ख़रीदना है, तो आप क्या करते हो, आपस में डिस्कस करते हो, तो आप किसी भी वेबसाइट को खोल रहे हो, जैसे मान लो फेसबुक खोल रहे हो, एफबी खोल रहे हो, तो आपको वो ऐड दिखने लगेगा, ठीक है। यह काम तो होता है सर्च इंजन ऑपरेटर का, लेकिन ये भी तो एक तरीके से डाटा फेच हुआ ना, मतलब डाटा का एक्युमुलेशन हो गया, डाटा पे काम करना हुआ, इसी को कहते हैं स्टैट पे काम करना, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बेसिक सा एक एक चीज़ समझेंगे। एग्ज़ाम फोकस ज़्यादा रखना है कि आखिर पूछता क्या है। देखिए, तो कोई भी डाटा, जो डाटा अवेलेबल है उसको यूज़ करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे फॉर फर्दर रेफरेंस, इसी को कहते हैं स्टैटिस्टिक। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में शुगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, ये डाटा हमें मिला कैसे, तो आप सुन के शॉक्ड हो गए, ये हमें इकोनॉमी सर्वे से मिला है। आप सोचो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप खुद सोचो, इंडिया जो है वर्ल्ड का, हमेशा देखिएगा आप, डिकेड से देखिए या फिर 5 ईयर स्पैन को देखिए, तो या तो प्रोडक्शन में फर्स्ट करता है, प्रोडक्शन में भी फर्स्ट है एंड कंजम्पशन में भी फर्स्ट है। ये तो इकोनॉमी सर्वे 21-22 की मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन में भी फर्स्ट है, कभी ब्राज़ील आ गया है, कभी इंडिया आ गया है, लेकिन आप देख के देख लो कि प्रोडक्शन में भी टॉप कर रहा है, कंजम्पशन में भी टॉप कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कि वो पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन में टॉप है, लेकिन इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, इतना ज़्यादा स्वीट्स खा रहा है, मिठाई खा रहा है, कुछ भी, जिससे वो कंजम्पशन में भी टॉप पे है। तो ये क्या, एक तरीके का स्टैट ही तो है, है ना, ये एक स्टैट है जिससे क्लियर हो रहा है इन चीज़ों की, अच्छा ठीक है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, तो फिर ठीक है इसके सप्लाई को और बढ़ाएंगे, इसके एक्सपोर्ट को, इम्पोर्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, बेसिकली स्टैट स्टैंड फॉर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, ठीक है। और स्टैटिस्टिक जो है वो एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में, ठीक है। स्टैटिस्टिक की बात करें, दो सेंस में बात करते हैं स्टैटिस्टिक को लेकर के, एक तो आपको प्लूरल सेंस होता है, एक सिंगुलर सेंस होता है। प्लूरल सेंस की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर डाटा पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे स्टैटिकल डाटा हो गया, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में होगा, कलेक्शंस होगा जो भी, वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे हाउ मेनी नंबर ऑफ टिकट्स दैट यू हैव बुकड इन IRCTC, इंडियन रेलवे, कैटरिंग, टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसमें आपने कितना बुक किया, नंबर की वाइज बात करेंगे, 2000, 3000, 4000, 600, ठीक है। सिंगुलर सेंस की अगर बात करें तो ये स्टैटिकल मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन पे कैसे डील करेंगे उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक की, तो बेसिकली यह क्या है, आपको एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, फैक्ट्स का एग्रीगेशन है। जैसे कि आई हैव स्कोर्ड 90% इन माई एग्ज़ाम, तो मैंने 90% एग्ज़ाम में स्कोर किया है, ठीक है, या ऑलरेडी स्टैट के फॉर्म में है, ठीक है। कैसे ये स्टैट के फॉर्म में, ये बताता हूँ। 90% क्या, आपने किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स तो बताया नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए पावर सिस्टम,
कंट्रोल सिस्टम, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैंने यूज़ कर लिया, चलो मैथ्स, साइंस, जनरल साइंस या फिर जो भी हुआ, तो ये सब्जेक्ट्स में आपने लाया और इसको एग्रीगेट करके एक डाटा को कलेक्ट करके ऑन एन एवरेज 90% बताया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक स्टैट के फॉर्म में है, क्लियर है। चलिए अब एक चीज़ और समझिए, ये जो स्टैटिस्टिक होता है ना वो अफेक्टेड हो जाता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्सेज से, जैसे किस तरीके का डिमांड है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ये, ठीक है। स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल एक्सप्रेस किया जाता है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होता है, जैसे इन्यूमरेशंस की बात करें तो एक्चुअल काउंटिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एस्टिमेशन की बात करें तो अप्रॉक्स काउंटिंग पे बात करेगा, ठीक है। लेट्स से जैसे मान लीजिए किसी के स्कूल में मिड डे मील में लगभग 50 बच्चे आते हैं डेली, कभी 50 कभी 45 कभी 46, तो ओवरऑल इसको एज एन एवरेज अप्रॉक्स 50 मान के चलते हैं, ठीक है। तो स्कूल की अथॉरिटी उसको 50 मान के चलती है, तो ये हो गया अप्रॉक्स काउंटिंग और इसी को एस्टिमेशन कहते हैं। अगर एन्यूमरेशन की बात करें तो एक्चुअल काउंटिंग की बात करती है, डेली अटेंडेंस लगाओ उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करो मील, ठीक है। अच्छा, अगर बात हुई है मिड डे मील की, तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अक्षय पात्रा फाउंडेशन का एक तरीके की एनजीओ है जो कि मिड डे मील में अब अच्छे क्वालिटी की फूड मिले वो उसके लिए उस पर काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट उसको असिस्ट करती है, गवर्नमेंट को असिस्ट करती है मिड डे मील एसेसिंग। अब चलिए बात करते हैं कलेक्टेड विथ अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो आपको पता होगा आपके पास पर्पस पहले आना चाहिए, तभी आप स्टैटिस्टिक के लिए दौड़ोगे। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि इंस्टाग्राम को ये पता करना है, इंस्टाग्राम का एक स्कीम आया था आपको पता होना चाहिए, रेनबो स्कीम आया था, जिसके थ्रू क्या था वो कितने बच्चे लॉस्ट हुए हैं, कितने बच्चे ट्रैफिकिंग हुए हैं उसको खोजना था, ठीक है, बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे। तो ये क्या, उनको पहले से पता था कि हाँ बच्चे बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने ये स्कीम निकाल दिया। तो जो भी होगा आपको स्टैटिस्टिक की बात तभी होगी जब हमें कुछ पर्पस डिटरमाइंड होगा, प्रीडिसाइडेड होगा, ठीक है। और जो भी होता है स्टैटिस्टिक वो सिस्टमेटिक मैनर में डिसाइडेड होता है, कन्फाइंड होता है, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा कि ये हमेशा कंपेरेबल फॉर्म में होना चाहिए ईच अदर में। जैसे मान लीजिए आपने स्टैट निकाला एक्स का और वाई का, फिर आपने क्या बताया, जब आपने स्टैटिस्टिक निकाल लिया, जैसे मान लीजिए दो स्टैट है आपके पास, एक हो गया बीजेपी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए ये है, और इसी तरीके से कांग्रेस के जीतने की प्रोबेबिलिटी, मैं ये बताया था, ठीक है। और ये जो हो गया वो नॉर्थ जोन में हो गया और ये साउथ जोन में हो गया, नॉर्थ जोन में कांग्रेस की ये स्थिति और साउथ में ये है। तो आप इसको देख के कह सकते हो ना, इस अगर ग्राफ को मैं देखूं, ठीक है, आप आराम से देखो इस ग्राफ को देखो, अगर नॉर्थ जोन को हम लोग मैच करूं, तो नॉर्थ जोन में बीजेपी की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस, ठीक है, नॉर्थ जोन में। अगर इसी को साउथ जोन में हम रेफरेंस लेकर के इसको स्टार्ट करें, इसको अगर इक्विवेलेंसी देखें, एनालॉग करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ के केस में कांग्रेस की ज़्यादा कंडीशन है कि वो बीजेपी से जीतेगी। तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है, जो हम लोगों ने कर्व बनाया, हम लोगों ने कर्व क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास कुछ डाटा था। डाटा मतलब क्या हुआ, नॉर्थ एरिया में इतने सारे लोग हैं, एक पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि बीजेपी की तरफ ओरिएंटेड है, ठीक है, तो कंपैरिजन आप कर पा रहे हो, तो इसी को स्टैट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोगों ने प्लूरल सेंस का देख लिया सारा, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिकल डाटा को न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू, काउंटिंग एंड कलेक्शंस के थ्रू देखा। अब स्टैटिस्टिक का सेकंड फॉर्म सिंगुलर फॉर्म, उसको देख लेते हैं। बेसिकली ये डील करता है कलेक्शंस, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव, देखिए क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे वर्क करता है बेसिकली, जिसमें अब देखिए स्टेप्स देख लीजिए, डाटा कलेक्ट किए, कलेक्शन ऑफ डाटा, कहाँ से कलेक्ट किए, तो वो होता है रिलेबल एंड ऑथेंटिक सोर्स। रिलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे मानिए, जैसे फ्रीडम इंडेक्स निकलता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, देखिए वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट उस पर क्वेश्चंस उठाती है। एस जयशंकर जी हमेशा आप देखते हो कि वो बोलते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस तरीके से सोच के करना चाहिए। वो आखिर होता क्या है, देखिए उनकी रिलेबिलिटी कम क्यों होती है, होती इसलिए है, जैसे मान लीजिए कि वो 5000 लोग पे, आप समझिए 1.4 बिलियन आपकी कंपनी कंट्री है, और वो 5000 किसी एनआरआईज को उठा करके अगर इनसे ओपिनियन लेकर, अगर ओपिनियनेटेड पॉइंट्स को उठा करके अगर ये किसी इंडेक्स को निकाल दे रहे हैं, तो आप इस पर कैसे बिलीव करोगे। तो इसकी रिलायबिलिटी क्या है, इसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इसलिए तो कहती है गवर्नमेंट कि इफ़ वी आर मोर हंगर देन पाकिस्तान, इफ़ वी आर मोर हंगर देन श्रीलंका, when Pakistan and Sri Lanka is going to deep depressions of economic crisis, then how we can rely on these
इंडेक्सेस, ठीक है। और मेरा भी मानना है प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कलेक्शंस ऑफ डाटा, लेकिन हाँ रिलायबिलिटी शुड बी देयर एंड ऑथेंटिसिटी शुड बी देयर। उसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की। मिलने के बाद आप उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, एडिट करोगे, क्लासीफाई करोगे, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, पहला कलेक्शन ऑफ डाटा कर लिया, उसका ऑर्गेनाइज कर लिया डाटा को, फिर आपको प्रेजेंट करना होगा उसी डाटा को किसी फॉर्म में। किस फॉर्म में करेंगे, तो बहुत ही सुंदर तरीके से टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो, डायग्राम्स में कर सकते हो, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हो, वेन डायग्राम में कर सकते हो, हिस्टोग्राम में कर सकते हो, ओलिगोग्राम में कर सकते हो, ठीक है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, जब आपने आपने क्या किया, मान लीजिए एक स्कूल में गए, एक स्कूल ये है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, उसमें आपको ये पता करना था किन्होंने ये बीटा वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, लेट से कोई भी बीटा वैक्सीन है, तो इनमें इसमें से मान लीजिए एक्स बच्चों ने लिया था, वाई ने नहीं लिया था, आपने तो एक्स की यूनिट मान लीजिए 16 और ये 5 हो गया, ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब आप क्या करें, एक चार्ट बना लिए, ठीक है, नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड स्टूडेंट बीटा एक्स और नंबर ऑफ ये नंबर मान लीजिए, आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो आपने कलेक्शन किया, पहले कलेक्शन डाटा किया, रिलायबल ऑथेंटिसिटी इसलिए हुई क्योंकि आप जाकर के डोर टू डोर वैक्सीनेशन को चेक किया स्कूल में। उसके बाद आपने क्या किया, उस जो भी डाटा था उसको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइजेशन के कहने का क्या मतलब हुआ, लड़के कितने हैं, कितने वैक्सीनेटेड हैं, कितने प्रॉपर वैक्सीनेटेड हैं, इसको चेक किया, अपनी रिलायबिलिटी से मैच कराया। उसके बाद आपने क्या किया, उसको प्रेजेंट कर दिया कहाँ पे? तो वेन डायग्राम पे प्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर दिया। अब प्रेजेंट करने के बाद आप उस डाटा को फाइल को लेके जा रहे हो एनालाइज करने के लिए। क्यों एनालाइज करने के लिए जा रहे हो? अच्छा, अगर मान लो 100 बच्चे थे और उसमें से सिर्फ 40 ने वैक्सीनेशन किया था, जबकि आपने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बीटा एक्स को पैन इंडिया के लिए निकाला था, लेकिन 40 बच्चों ने किया था, मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स हो रहा है, गवर्नमेंट इस पर फिर मल्टीप्लेरी एक तरीके से एक्शंस लेगी। किस तरीके से एक्शंस लेगी, तो जो जीविका दीदीज होती हैं या फिर जो आशा वर्कर्स होती हैं उनको और उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा और बच्चों तक गांव तक पहुंचाया जाएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसको देख के, उस ग्राफ को देख के गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, तो आप समझ गए। एनालाइज करके, बेसिकली एनालिसिस के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स लगते हैं, मीन्स मीडियन एंड मोड लगाया जाता है, ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड, और आपके एग्ज़ाम के लिए ये एकदम रामायण है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इस पर। अब चलिए, जब हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया मीन मीडियन मोड बना के, तो उसके बाद हम लोग करेंगे इंटरप्रेट करेंगे डाटा को, अच्छा कैसे किस तरीके से कौन ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, कहाँ पे किस चीज़ में लूप होल हो रहा है, और फाइनल कंक्लूजन देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सिंगुलर सेंस में डाटा को किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आखिर फंक्शन क्या है स्टैटिस्टिक का, इसको देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक की। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए 2 लाख अगर इंडिविजुअल्स हैं, उनको अगर हम लोग स्टैट में दिखा देते हैं, स्टैटिस्टिक में उसको उनको प्लॉट कर देते हैं, तो एक नेचर उनके कैरेक्टरिस्टिक का जानना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल के पास बार बार विजिट करोगे, बार बार उनकी चीज़ों को पूछोगे, फिर आप जब तक आओगे ट्रेस कर पाओगे, फिर से उसको रीराइट करोगे, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंप्लीफाई करता है, फैसिलिटेट करता है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अक्षय पात्रा फाउंडेशन वाला, तो मिड डे मील कंसेप्ट वाला, ठीक है। उसके साथ साथ फोकास्टिंग में हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए फोकास्टिंग कहने का ये मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन, ठीक है। जैसे मान ली एक तरीके समझिए कि मान लीजिए रेनफॉल का एक रीज़न है, मान लीजिए एक्स एक रीज़न है, वहाँ पे रेनफॉल का फोरकास्टिंग चलता है, कहता है कि सुबह 9, फिर शाम के 3, फिर रात के 9। तो इस कंडीशन में उनका देखा जाता है कि मैक्सिमम अगर हम लोग 2-3 महीने का स्टैट देखें, तो लगभग 3 बजे शाम से लेकर के 6:30-7 बजे तक बारिश होती है। तो लोग इस वक्त से तो एक फॉरकास्ट लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए 3 महीने में ये 10 बार रिपीट होता है, तो एक फॉरकास्ट तो कर सकते हैं कि देर आर हाई चांसेस दैट दिस टाइम दिस ड्यूरेशन में इस पॉइंट पे ये रेनफॉल हो सकता है, तो उसको लेके प्रेडिकमेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ साथ तो फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें फैक्ट जनरलाइजेशन मैंने आपको बताया, जहाँ पे एजम्पशन किया जा सकता है उस डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए, कभी भी आप कोई फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे इस तरीके से आप डेफिनेट फॉर्म में कर पाओगे। जैसे कहते हैं ना, 100% डिटॉल लगाओगे तो 100% उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गलत है, 99.99% जो कहते हैं वो अगर मान के भी चले तो सही हो सकता है। तो एक डेफिनेट फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक की,
बेसिकली अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि उनको एक फ्रेम मिलेगा, एक एनालिसिस मिलेगा, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन में काफ़ी मदद मिलेगा और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको लागू करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे मान लीजिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सिस्टम है, ठीक है, अब मान लीजिए 5 करोड़ लोग इसके बेनिफिशियरीज हैं, 5 करोड़ लोग में 2 करोड़ ही ऐसे हैं जिनको एकदम बेसिक नीड है, जो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, इवन मनरेगा से भी काम में उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट को अपनी लिस्ट में ये 2 करोड़ लोग को आगे रखना है, फिर उसके बाद जो बचे हुए 3 करोड़ उनको उनके पीछे रखना है, तो ये काम भी करेगा स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब देखिए कुछ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बेसिकली ये फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज में मदद करता है, साथ में ही हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ने में मदद करता है, प्राइस एनालिसिस में मदद करता है। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एस्टिमेट द प्राइस एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और जो प्राइस का डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है, मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दिवाली आने वाला है, ठीक है, दिवाली के वक्त में क्या हो जाता है, ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में। ये कैसे पता चल रहा है? मार्केट को रीड करने पे, मार्केट को रीड कर रहे हो तभी तो पता चल रहा है ये चीज़। तो एक तरीके का एस्टिमेशन है प्राइस एंड डिमांड का किसी भी प्रोडक्ट के लिए, यह हमें कौन बताता है? स्टैटिस्टिक बताता है, ठीक है। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग में भी कितना प्रोड्यूस करना है, कितना का डिमांड है, जितना का डिमांड है उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब यही क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल को रेगुलेट करता है, ठीक है, और अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग में मदद करता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अच्छा करता है। जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, अगर मानिए मुझे दिल्ली है वहाँ पे वेजिटेबल सप्लाई करना है, ठीक है, मशरूम सप्लाई करना है, तो मान लीजिए साउथ दिल्ली के लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल्स का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का, और नॉर्थ दिल्ली के लोग कम करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उस स्टैटिस्टिक से ही तो भेजेंगे, एक खाता बना लेंगे और लगभग 2-3 महीने का स्टैट को रखेंगे और पता करेंगे ठीक है यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उस एरिया में ज़्यादा मैं सप्लाई करूँगा, तभी तो बेनिफिट है ना, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा, जहाँ सप्लाई ज़्यादा वहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है स्टैटिस्टिक का, वो भी समझ लेते हैं। एक चीज़ तो है कि स्टैटिस्टिक होगी उसमें इमोशंस नहीं होता। अब कहोगे इमोशंस क्या चाहिए स्टैटिस्टिक में? बिल्कुल चाहिए। अगर मान लीजिए कोई एक मैनेजर है वो बहुत ही तमीज़ से काम कर रहा है, बहुत ही प्यार से, और या जैसे मैंने आपको अक्षय पत्रा फाउंडेशन का बात बताया, अगर उससे पहले आप देखते हो कि बहुत सारे स्कूल में न्यूज़पेपर में आता होगा कि मिड डे मील प्रिपेयर हुआ उसमें मरी हुई कुछ भी मिल गई, लीजर्ड मिल गया या फिर उसमें से वो इंसेक्ट निकल गया, तो जब अक्षय पत्रा फाउंडेशन इस ट्रस्ट में आया, इस काम में आया, तो खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, बच्चे जो आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस रेट है स्कूल में वो भी बढ़ रहा है क्योंकि अच्छा खाना मिल रहा है, बच्चे इंटरेस्टिंगली वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये जो गुडविल है ना उसको काउंट नहीं कर पाता है ये। अब ये थोड़ी ना लिखेगा स्टैटिस्टिक की बच्चे बढ़ रहे हैं, हाँ रीज़न कोई भी हो सकता है लेकिन ये गुडविल तो नहीं मेंशन करेगा। स्ट्राइक्स, अगर मान लीजिए एक जूता बन रहा है, जूता बनाने वाली कंपनी है, वो क्या कर रहा है, उसे 4,000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने थे लेकिन बीच में स्ट्राइक हो गया, तो क्या उस स्ट्राइक्स को वो मेंशन कर पाएगा स्टैटिस्टिक? नहीं कर पाएगा। अब देखिए स्टैटिस्टिक कभी इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करती है। अब स्टैटिस्टिक की डाटा जो है ना वो मिसयूज हो सकती है, जैसे डाटा माइनिंग, आपको पता होगा कि फेसबुक डाटा सेल करता है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कंपनी थी, कोई एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती थी, तो बैंगलोर में मान लीजिए 5,000 लड़के लड़कियाँ ने उनसे कुछ सामान मंगवाया, ठीक है, अब वो उसने क्या किया, उस 5,000 की डिटेल, जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाते हो तो आप क्या देते हो, फ़ोन नंबर, एड्रेस, रिक्वायरमेंट्स और आप क्या यूज़ कर रहे हो, तो उसने क्या किया, इस सारे डाटा को लीक कर दिया। तो एक तरीके से जो डाटा स्टोर्ड हुआ उनके पास, स्टैटिस्टिक मोड में आया उनके पास, वो उसको लीक कर दिया, तो ये भी तो एक मिसयूज है, ठीक है। चलिए अब जो रिज़ल्ट आ रही है स्टैटिस्टिक के डाटा को यूज़ करके, वो तो एक एवरेज रिज़ल्ट है ना, वो तो ट्रू नहीं है एक वाइडर ऑडियंस पे, वाइडर पॉपुलेशन पे, तो ये भी एक इशू है। साथ साथ में ही अगर हम लोग एक प्लॉट दे दें आपको जो कि स्टैट के बेस पे है, तो क्या हर लोग इसको पढ़ सकता है? आपके घर में कोई वेजिटेबल सेलर आ रहा है या फिर कोई मिल्कमैन आ रहा है, क्या वो इसको रीड कर सकता है? जैसे क्या मिल्कमैन बता सकता है कि मैं इस मोहल्ले में जाऊँगा या फिर इस टाइम पर जाऊँगा तो मेरी मिल्क ज़्यादा सेल होगी? ऐसा नहीं है ना, वो रीड ही नहीं कर पाएंगे इसको, तो ये सिर्फ एक्सपर्ट्स इसको हैंडल कर सकते हैं। स्टैटिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कम होती है, होमोजेनस नहीं होता,
तो अब जैसे मान लीजिए आप एक एरिया में कुछ और जजमेंट्स ऑफ व्यू आ रहा है, कुछ और एरिया में कुछ और आ रहा है, आप इस एरिया को डिसाइड करके कंप्लीट एरिया के बारे में कैसे कह सकते हो? ठीक है, ये भी एक इशू है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक आखिर डन कैसे किया जाता है, स्टैटिस्टिक में काम कैसे होगा, स्टैटिस्टिक अगर हमको अप्रोच लगाना है तो स्टैटिस्टिक को हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे। सबसे बेसिक काम क्या है, डाटा को कलेक्ट करना है, आपको बेसिक एम होना चाहिए। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है जो कि इस चीज़ को कंडक्ट करवाएगा, डाटा को कलेक्ट करेगा, अगर उसको एक टीम की ज़रूरत है, अगर उसे एक टीम की ज़रूरत है ना, तो उसी टीम को हम लोग कहेंगे एन्यूमरेटर्स। अगर किसी डाटा के कलेक्शन में किसी एक डाटा इन्वेस्टिगेटर को किसी एक टीम की ज़रूरत है तो उसको कहेंगे एन्यूमरेटर्स। जैसे मान लीजिए कोई एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, सेल्स की कंपनी है, वो बार बार अपने एजेंट्स को गुड़गांव भेज दिया, किसी को दिल्ली भेज दिया, किसी को फरीदाबाद भेज दिया, किसी को हरियाणा भेज दिया, कहीं कहीं भेज दिया, ठीक है, तो बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ इन्यूमरेटर्स को भेजा, तो वो जो टीम को बाहर भेज रहे हैं ना उसी को इन्यूमरेटर्स कहते हैं। अब देखिए एक होता है रेस्पोंडेंट्स, अब उनके लिए अब एक टर्म हो जाएगा रेस्पोंडेंट्स, जिनके लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए डाटा कलेक्शन का सोर्सेज क्या क्या हो सकता है ये समझते हैं। तो बेसिक पहला मेथड अगर कहेंगे तो दो सोर्स हो सकता है, एक इंटरनल सोर्स एक एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। अगर इंटरनल सोर्स की बात करें, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन, अगर सिर्फ खुद की ऑर्गेनाइजेशन की अगर डाटा कलेक्शन हो जाए खुद के रिकॉर्ड्स के लिए तो ये कहेंगे इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो यहाँ पर डाटा आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किया जाए तो ये एक्सटर्नल सोर्स डाटा हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल सोर्स की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी सोर्स लगता है, जो कि प्राइमरी सोर्स होता है डाटा कलेक्शन का, डाटा विच इज़ ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि सेंसस हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो प्राइमरी सोर्स होता है, इंटरनल सोर्स होता है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। आप बताइए सेंसस करना है, 1.4 बिलियन लोगों को काउंट करना है, ठीक है, उनमें सेक्स रेशियो डिटरमाइन करना है, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन करना है, उनकी विलेज मूव करके, ऑब्वियस टाइम लगेगा। और लेकिन एक चीज़ है, आप बताइए पाँच घर है, ये पांचों घर में आप जाके इंडिविजुअली पूछ रहे हो, वो डाटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा या फिर किसी भी रैंडम घर को, दो घर को चुन लिया और उसको देख के फिर पांचों घर के बारे में बता दिए, वो एक्यूरेट होगा। ओब्वियसली जहां आप डोर टू डोर मूव कर रहे हो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइमरी सोर्स पर डाटा कलेक्शन हो रहा है आपका तो वो ज़्यादा रिलेबल है और वो ज़्यादा एक्यूरेट है। आपको पता होगा अगर हमें प्राइमरी सोर्स पर डाटा कलेक्शन करना है, ऑन टाइम ऑन फील्ड पर डाटा कलेक्शन करना है, तो आपको एलोबरेटेड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो क्लियर है। अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो सेकेंडरी सोर्सेज को, तो यहाँ डाटा कलेक्ट किया जाता है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में, सेकेंडरी सोर्स यहाँ पर डाटा नहीं कैलकुलेट किया जाता है, नॉट कलेक्टेड बट ऑब्टेन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड सोर्सेज। जैसे मान लीजिए आपने किसी, इससे पहले कोई कंपनी थी, मान लीजिए शैम्पू पे कोई डाटा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो शैम्पू बनाने वाली कोई एक्स कंपनी थी जो कि अब बंद हो चुकी है, उन्होंने जो अपनी प्रोफाइल तैयार करके रखी थी उसको उठा के उस डाटा को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ऑलरेडी पब्लिश्ड या अनपब्लिश डाटा भी जो ऑलरेडी बन चुकी है उसको यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है, जैसे डाटा बाय इकोनॉमी सर्वे। यह ऑब्वियस बात है अगर आप किसी के किए धेरे काम को उठाओगे तो यहाँ टाइम कम लगेगा, लेकिन यह भरोसेमंद नहीं होता। अगर मानिए उस कंपनी वाले पांच बंदे को फील्ड पे भेजा गया था, उसमें से एक गया और पांचों के लिए बना दिया और बना के एक पब्लिश डाटा दिखा दिया कि ऐसे ऐसे डाटा मैंने बनाया है, और वो डाटा जो दो साल पहले बना था उसको नई कंपनी आने के बाद उसी को यूज़ कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल तो है नहीं, भरोसेमंद है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या क्या मेथड्स हम लोग अप्लाई करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। एक तो होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्या होता है, बेसिकली ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो कि यूनिफॉर्म एंड ऑथेंटिक होता है। यहाँ पे आपको ऑन स्पॉट इंक्वायरी करना पड़ेगा, अपनी कंपनी से निकले पांच सेल्समैन को भेजे और वो लोग इंक्वायरी करने के लिए डोर टू डोर जाना शुरू किए, ये हुआ आपको डायरेक्ट एंड पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर बात करें, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है वाइडर एरियाज़ के लिए, जैसे मान लीजिए 500 किलोमीटर में कोई रिसर्च करना है आपको, कोई स्टैटिकल डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और आपके सिर्फ पाँच सेल्समैन हैं समझ लीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल होगा लेकिन वन मंथ लग जाएगा, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वाइडर एरियाज़ के लिए ये सूटेबल नहीं होता है, ये लिमिटेड होता है। अब ये बायस्ड भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए इनमें से दो सेल्समैन हैं वो तो अच्छा काम किए, बाकी जो जो तीन थे ना वो चार थे ना वो बोले कि यार रहने दो,
कंपनी को क्या ही पता चलने वाला है कि हम लोगों ने क्या डाटा लिया, वो ये दोनों के डाटा सुन के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये बायस्ड हो सकता है, या फिर अगर मानिए कोई एम्प्लॉई है वो अपनी ओपिनियन के बारे में सोच के उनकी ओपिनियन सुन लिया जा करके, जिनको जिनकी स्टैटिस्टिक लेनी है, जिनकी डाटा लेनी है, लेकिन वो खुद की ओपिनियन भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। तो बायस्ड हो सकता है। अब देखिए, यूज्ड व्हेन द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नीडेड। अब देखिए, एक चीज़ तो सही है कि अगर आप डोर टू डोर जा रहे हो तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, तो एक्यूरेसी ज़्यादा जब बहुत ज़रूरत होता है तो हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। प्रिकॉशंस देख लेते हैं। स्टैटिकल टेक्निक्स की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न एरिया, जिस एरिया में आप जा रहे हो स्टैटिस्टिक की मेजरमेंट के लिए, आप लेना चाह रहे हो स्टैटिस्टिकल डाटा इन्फॉर्मेशन, देन यू शुड नो द कल्चरल ट्रेडिशनल एंड लैंग्वेज, तो चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे डोंगरी लैंग्वेज में गए हो, जहाँ पे डोंगरी, जहाँ एक चीज समझ लीजिए, जहाँ पे मुंडू ट्राइब्स है, मुंडा ट्राइब्स, ठीक है, या फिर संथाल ट्राइब्स है, ठीक है। आप वहाँ पे गए हो सेंसस लेने, किसी से कुछ पूछ के कुछ डाटा कलेक्ट करने, और आपको संथाली लैंग्वेज ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये तो आपके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ये, क्योंकि आप तो स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, इन्फॉर्मेशन ओवरगैप हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, अगर आप स्टैटिकल डाटा को लेने जा रहे हो बाय दिस मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, देन यू शुड नो द कल्चर ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न एरिया। इन्वेस्टिगेशन शुड आस्क सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि वहाँ के लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए मैं एक शॉप का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, या फिर एक सी समझ लीजिए एक ब्रेड का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ब्रेड। आप वहाँ पे गए तो आप उनसे पूछने लगे, किसी ट्राइबल एरिया में पूछने जाके कि ग्लूटेन है कि नहीं इसमें, कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज कितना है, या कैसा फील करते हो आप, आपको क्या लगता है, तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ना वो थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग, ये तो पहला मेथड हो गया डायरेक्ट एंड पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज इनडायरेक्ट एंड ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहाँ पे कलेक्ट डाटा फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तीसरे पार्टी से आप डाटा कलेक्ट करते हो, जैसे कि पुलिस इंक्वायरी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक घर में गए, वहाँ पे मर्डर हो गया किसी का, ठीक है, कोई मर गया यहाँ पे, तो पुलिस आती है, पुलिस ऐसे आई उनके पड़ोस के यहाँ डायरेक्ट चली गई और वहाँ के लोगों से पूछना शुरू किया कि आखिर इनके यहाँ कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इस पर्टिकुलर कंसर्न जो मटेरियल है, जो पर्सन है, उससे उनकी नहीं बनती थी। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्शन हो गया, ठीक है। यह जो होता है बायस से फ्री होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कम होता है, हो सकता है यहाँ पे गया पुलिस वाले, जाने का पता लगा ये लोग इनसे खुन्नस खाते हैं या फिर इनके दुश्मन हैं, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए, ठीक है। अब इसको कब यूज कर सकते हैं, जब हमारा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो तब यूज कर सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है डाटा कलेक्शन का, तीसरा मेथड है आपको टेलीफोनिक इंटरव्यूज, ठीक है। लगाओ फ़ोन हर जगह, आपको तो पता ही है, फ़ोन तो आता ही होगा आपके फ़ोन पे, हेलो मैं SBI से बोल रही हूँ, मेरा नाम ये है, क्या आपको ये कार्ड लेना है कि नहीं लेना है, या फिर आप जो कार्ड यूज़ कर रहे हो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है और कब से यूज़ कर रहे हो, तो ये सब स्टैटिकल डाटा इन्फॉर्मेशन को वो लोग फ़ोन से कलेक्ट करते हैं। टाइम कम लगता है, बिल्कुल इकोनॉमिकल होता है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर ना के बराबर भागदौड़ करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, और लार्जर एरिया को आप कवर कर सकते हो, ठीक है, फ़ोन तो कहीं भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन, द वेज थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड डाटा इन स्टैटिकल फॉर्म, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, इनडायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड द फर्स्ट वन डायरेक्ट एंड पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। चौथा क्या है, चौथा है आपको क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स का मतलब पहले बताया कि अगर कोई एक बंदा जा रहा है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने, डाटा को कलेक्ट करने, स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करना, तो वो हो गया टीम, वो सिंपल हो गया। अगर उसी में टीम उन्होंने कलेक्ट कर लिया और टीम को भेज रहे हैं फील्ड में फॉर द डाटा कलेक्शन, फॉर द स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, फॉर द असेंबली ऑफ दीज डाटाज, तो वो इन्यूमरेटर्स हो गए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इन्यूमरेटर्स का क्या, घर से ही बोल रहा मैं एक पेज बनाऊंगा और उस पर पहले नेम लिखूंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपको ये पसंद है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरीके की चीज़ों को लिख के और चले गए, वहाँ पे टिक लगा दिए। आप भी देखते होंगे कभी कभी, मैंने खुद किया, मैंने बहुत बार ऐसा किया कि जैसे वो आ रहे हैं बोल रहे हैं सर ऐसा कर दो मुझे इससे बेनिफिट हो जाएगा। मैं कुछ दिन पहले भोपाल के मॉल में बैठा था, वहाँ पे कुछ बच्चे थे इस तरीके से कर रहे थे, तो मैंने उनका फिल कर दिया था। देखो उनको भी तो बेनिफिट होता है ना, जैसे वो लोग डाटा को कलेक्ट करने लगे, अगर मान लो डाटा कलेक्शन अगर वो कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा हेल्प होने लगा। अब उनको तो कुछ टारगेट होता है, तो वो टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो कभी ऐसे कुछ लोग मिले तो पार्ट ले लिया करो, ठीक है। तो क्वेश्चनर्स फील्ड बाय इन्यूमरेटर्स, वो पहले से क्वेश्चन बना के लाएंगे। अब क्या करेंगे, वाइड एरिया कवरेज होता है इसमें,
एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा नहीं, आपने एक पेपर दे दिया। अब जब एक पेपर दे दोगे तो जो क्वेश्चन उसको फिल कराना है वो थोड़ा सा वो ईमानदार हो जाता है, ठीक है। खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे इसमें, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और पर्सनल बायस होगा, हो सकता है कि जो जो उसको भर रहा है वो गलत भर दे। ट्रेनिंग की कमी होगी, यूजफुल फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स। अब देखिए कैसे यूजफुल होगा इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स के लिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन आयर तैयार कर लिए, क्वेश्चन आयर, अब वो क्वेश्चन आयर क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जाकर उससे पूछ रहे हैं, भैया बताओ कि आप जो यूज़ करते हो, मान लो कोई टूथपेस्ट यूज़ करते हो, तो आपको आप कैसे कब तक यूज़ कर रहे हो, क्या आपको मन करता है कि ये टूथपेस्ट छोड़ के ये सेकंड वन यूज़ करें, तो आप खुद से पूछ रहे हो, खुद से पूछ के खुद से भी भर सकते हो। तो यहाँ पे जो इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन एंड सैम्पल की। देखिए एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, एक होता है ग्रोस, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये जो टोटल है ना वो है ग्रॉस, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर इसी में से कुछ एरिया को कट कर लो आप, तो ये हो जाएगा नेट, ठीक है। तो ये हो गया NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये इकोनॉमी में ये टर्म याद रखिएगा, ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन सैंपल की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो पूरा का पूरा जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो सैंपल्स, जब कंप्लीट पूरी की पूरी बात करें तो पॉपुलेशन हो जाएगा। उसमें से एक पोर्शन को अगर हमें रीड करना है तो वो हो जाएगा सैंपल, बहुत ही इजी वे में। जब हम लोग कंप्लीट इंटायर पॉपुलेशन की बात करें, कंप्लीट इंटायर सेगमेंट की बात करें तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन। अगर उनमें से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हमें बारे में डील करना है तो वो हो जाएगा सैंपल, ठीक है। चलिए पॉपुलेशन की बात करें तो टारगेट ऑडियंसेस क्या होगा, बहुत सारा होगा, सेंसस स्टडी में इसको यूज़ करते हैं। और जो पॉपुलेशन सैंपल होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा कैलकुलेट करते हैं, डाटा को रिवाइव करते हैं, डाटा को रिट्रीट करते हैं फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। ये पैरामीटर्स होता है इसका। और जब हम लोग पूरे इंटायर पॉपुलेशन से इसको रीड करेंगे, डाटा को फेच करेंगे, तो उसको कहते हैं पैरामीटर्स। जब हम लोग किसी सैंपल से उसको रीड करेंगे, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन में से 5 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें से हम लोग 50 लाख लोगों को निकाल के उसमें सैम्पलिंग को इटरेशन करेंगे तो वो हो जाएगा स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक। ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक की बात करें दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एक होता है आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो आप समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बेसिकली किस पे फोकस करता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक किस पे फोकस करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो होता है ना वो बेसिकली फोकस करेगा कलेक्टिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ डाटा। तो बेसिक इसका फोकस होगा कलेक्ट करो डाटा को, समराइज करो एंड देन प्रेजेंट करो उस सेट ऑफ डाटा को, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की, तो ये इंक्लूड करता है ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल मेजर्स को ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम लोग देखें, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही हुआ कि इट विल वर्क ऑन द मास प्रोडक्शन बेसिस, तो आपको मास पे काम करना पड़ेगा, कंप्लीट मास पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मीन एज ऑफ पीपल लिविंग इन दिल्ली, अब इसके लिए पूरे के पूरे हर लोगों के पास अप्रोच करेगा, ठीक है, और उसके बाद इसका ये डाटा प्रेजेंट करेगा। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की बात करें तो ये एनालाइज करता है सैंपल पे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि इस पे काम करेगा, ये सैंपल पे काम करेगा और सैंपल पे काम करके ये रीच करेगा कंक्लूजन पे, पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन पे तभी रीच करेगा जब वो सैंपल पे वर्क करेगा, ये पूरे पॉपुलेशन पे वर्क नहीं करता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इन्फ्रेंशियल जो होगा वो आराम से जल्दी हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा कम एक्यूरेट होगा। अब ये कौन सा मेथड यूज करेगा एस्टिमेशन का, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है कि पहले इसकी वैल्यू जान लो और ये पूरी की पूरी को अप्रॉक्स मान लो कि वही है, सारा का सारा कंडीशन उसी तरीके से लागू होता है। तो एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं, वेरिएबल्स होता क्या है। मान लीजिए ये हमारे पास एक नॉर्मल सा चार्ट है, ठीक है, नॉर्मल सा चार्ट है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, स्टॉक्स दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, क्लोजिंग प्राइस दे रखा है और EPS मतलब अर्निंग पर शेयर दे रखा है। क्या क्या दे रखा है हमें, स्टॉक्स दे रखा है, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, क्लोजिंग प्राइस एंड अर्निंग पर शेयर दे रखा है। ये स्टॉक्स किस किस चीज़ की है, तो TCS हो गया, मोजो का कंपनी है, पेटीएम है, जोमैटो है, उसकी स्टॉक दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर दे रखा है 1,500, 600 एंड 900। क्लोजिंग प्राइस कितनी है शेयर की, 600, 800, 950 और अर्निंग पर शेयर है 150, 20, 38 एंड 15। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा है, तो ये जो स्टॉक्स की जो वेरिएबिलिटी है ना उसी को कहते हैं एलिमेंट्स, स्टॉक्स की वेरिएबिलिटी को कहेंगे एलिमेंट्स।
वेरिएबल्स हो गए आपको ये ऊपर वाली स्टॉक्स, नंबर ऑफ शेयर्स, क्लोजिंग प्राइस एंड ईपीएस, जिस पे हम लोग इस ब्लॉक को क्लासिफाई कर रहे हैं वो हो गया वेरिएबल्स, ठीक है। और आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स, क्लोजिंग प्राइस और अर्निंग पर शेयर्स में जितने भी एंट्रीज डाले हैं वो हो गया ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें, इसको समझ लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा की। आखिर डाटा जो हम लोग इंटर कर रहे हैं, उसमें टाइप्स क्या क्या होंगे, ठीक है। देखिए, डाटा का हम लोग जो बेसिस होता है ना क्लासिफिकेशन करने का, उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व, अगर कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, वेरिएबल्स कहने का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ शेयर्स, क्लोजिंग प्राइस और अर्निंग पर शेयर्स। तो अगर हम लोग पहले कंडीशंस को ले लेते हैं कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ डाटा में नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व के बेसिस पे देखेंगे, तो कौन कौन, तो कितने टाइप का होता है डाटा। एक होता है यूनिवेरिएट डाटा, जहाँ पे एक वेरिएबल होगा, वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एवरी एलिमेंट पे, एक वेरिएबल, जैसे मान लीजिए सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स होता तो एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वन वेरिएबल हर एक एलिमेंट पे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स एंड उनके मार्क्स, तो मार्क्स तो सिर्फ एक वेरिएबल हो गया ना, इसको कहेंगे यूनिवेरिएबल। ये हो गया पहला टाइप, टाइप ऑफ डाटा का जब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व के बेसिस पे, ये हो गया पहला यूनिवेरिएट। दूसरा हो गया बाईवेरिएट। बाईवेरिएट कहने का मतलब हुआ डाटा सेट इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मेशन ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल दो कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होगा, सिर्फ एक पे नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्राइस एंड डिमांड हो गया, जैसे डिमांड ऑफ ए गिवन प्रोडक्ट एट ए गिवन प्राइस, जैसे मान लीजिए एक प्राइस है, एक डिमांड है, जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो प्राइस भी बढ़ गया। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, जैसे डिमांड बहुत कम हो गया तो प्राइस को घटाना पड़ गया, तो इससे क्या हो गया, ये डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, सो दिस इज बाईवेरिएट डाटा। एक होता है मल्टीवेरिएट डाटा, जहाँ पर डाटा सेट इन्वॉल्व होता है मोर देन टू कैरेक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये याद रखिएगा, जैसे स्टॉक्स हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, क्लोजिंग प्राइस हो गया और फिर अर्निंग पर स्पेसिमैन हो गया, ठीक है, और अर्निंग पर शेयर हो गया। तो ये यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल्स है नंबर ऑफ शेयर्स, क्लोजिंग प्राइस, अर्निंग पर शेयर, तो ये सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है ये पूरी कंपनी की स्टैटिस्टिक। तो ये हो गया आपको मल्टी वेरिएबल डाटा, ठीक है, बहुत आसान से क्लियर है। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सेकेंड हम लोग मूव करेंगे डाटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे डाटा क्लासिफिकेशन जो टाइम पे बेस्ड होगा, आखिर टाइम के साथ डाटा कैसे चेंज करेगा ये देखते हैं। तो टाइम सीरीज डाटा एक होता है, टाइम सीरीज डाटा जो कि विच इज़ रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे मान लीजिए टाइम के साथ आपने रिकॉर्ड किया किसी स्टैटिस्टिक को, जैसे वीकली सेल्स ऑफ द स्टोर, आपने एक सप्ताह में कितना सेल किया उस स्टोर में, तो ये टाइम के साथ मेंशन हो रहा है स्टैटिस्टिक, तो ये हो गया टाइम सीरीज डाटा, ठीक है। एक होता है आपको डाटा क्लासिफिकेशन ऑन टाइम पे क्रॉस सेक्शनल डाटा। यहाँ पे क्या होता है, कोई टाइम सिक्वेंस नहीं होता है, कोई टाइम पे कोई आपने रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। जैसे स्कोर ऑफ ए क्रिकेट मैच, आपने ये बोले, आप ये बोलोगे क्या कि 9:30 में क्या स्कोर था, ऐसा नहीं है ना, ये टाइम के साथ तो स्कोर कभी पूछते नहीं हो। तो स्कोर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच इज अ क्रॉस सेक्शनल डाटा। अब एक होता है डाटा मेजरमेंट स्केल। अब ये होता क्या, ये समझते हैं हम लोग डाटा मेजरमेंट स्केल्स क्या होता है। स्केल ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूड इन ए डाटा, मतलब एक ऐसा स्केल ऑफ इन्फॉर्मेशन जो डाटा में आपको मिलते, जो कंटेंट होगा, जो मिलेगा आपको डाटा में कुछ। देखिए स्केल ऑफ इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब, स्केल मतलब इन्फॉर्मेशन की रेंज, आखिर आपको क्या मिल रही है, जो आपने डाटा प्रिपेयर करके लाया है, जो आपने डाटा प्रिपेयर किया है उसमें, ठीक है। ये चार तरीके का होता है। इसमें पहला हो गया नॉमिनल टाइप। नॉमिनल टाइप क्या हुआ, नंबर जस्ट यूज टू लेबल्स टू आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे मान लीजिए आपने एक पैकेजिंग किया है, मान लीजिए चार ब्लॉक डब्बे को बना के रखा है, ठीक है। अब उस पर आप नंबरिंग करते हो एक्स वाई जेड ए, तो आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या प्रोड्यूस हैं, क्या प्रोडक्शन है, ठीक है। तो आपको उसको पहचान करना है, इसलिए आपने उस पर कोड दिया, ठीक है। और जब नॉमिनल टाइप डाटा होता है तो इसमें बेसिकली यही है कि उस पर नंबर यूज किया जाता है, तो उनको लेबल करने के लिए, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। जैसे आपने ABCD दे दिया कोड। अब ऐसे डाटा की आप मीन, मीडियन एंड मोड नहीं फाइंड कर सकते हो नॉमिनल डाटा की, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ओरिजिनल डाटा तो पता ही नहीं है, आप तो बॉक्स के ऊपर की चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। तो नॉमिनल डाटा ये हो गया। सबसे बेसिक चीज़ आपको ये याद रखना है कि मीन, मीडियन एंड मोड आप इससे की फाइंड नहीं कर सकते हो। चलो अब एक और डाटा क्लासिफिकेशन है, ऑर्डिनल और रैंक डाटा, ठीक है। ऑर्डिनल और रैंक डाटा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। देखिए इसको बेसिकली स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, इसका रैंक होगा, मतलब स्केल ऑफ मेजरमेंट आप इसको जब मेजर करोगे तो इसको रैंक की बेसिस पे मेजर करोगे, ठीक है। तो यही इसका कीवर्ड है।
जैसे नंबर्स आर यूज टू रैंक डिफरेंट प्रेफरेंसेस, जैसे R1 रैंक 1 दे दिया किसी को, फिर रैंक 2 दे दिया, रैंक 3 दे दिया। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए R1 और R2 के बीच का जो रैंक का डिफरेंस होगा या R2 एंड R3 के बीच का डिफरेंस होगा सेम नहीं होगा। ये आपको ऑर्डिनल और रैंक डाटा की बात कर रहे हैं। तो अब जो ऑर्डिनल और रैंक डाटा था उसकी जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होगी ना वो रैंक होगी, मतलब आपको रैंक प्रोवाइड करना पड़ेगा इस डाटा पे। एक चीज़ और, जब आप उस रैंक को यूज़ करोगे उनके प्रेफरेंसेस के लिए तो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें जो गैप होगा ना वो सेम नहीं होगा, ठीक है। अब इसी में सेकंड आता है इंटरवल डाटा। इंटरवल डाटा क्या होता है, एक तरीके का ऑर्डिनल डाटा की प्रॉपर्टीज़ को यह कैरी करता है और कैन ऑल्सो मेजर द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स और रैंक्स। अब देखिए क्या हुआ, सेम है ऑर्डिनल डाटा की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंटरवल्स है उसके जो गैप हैं वो सेम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप एक तरीके से रेंज लेके चल सकते हो यहाँ पे, पहली रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज, और जो गैप हो रहे हैं ना दोनों, पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, उसमें जो गैप पहली और दूसरी रैंक या दूसरी या तीसरी रैंक, तीसरी या चौथी रैंक के बीच में जो गैप है वो सेम होगा, ठीक है। अब एक होता है आपको रेशियो डाटा। रेशियो डाटा क्या होता है उसको देखते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरवल डाटा एंड अलाउज यू टू परफॉर्म ऑल एरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, डिवीजन, एवरेज, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। तो देखिए रेशियो डाटा होता है ना वो एक तरीके का इंटरवल डाटा की तरह ही है, इंटरवल डाटा की तरह ही है, लेकिन ये आपको बेसिकली अलाउ करता है कि आप एरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लो, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब रेशियो डाटा में की एक खासियत है कि इसमें जीरो वैल्यू भी एडेड होता है, और जहाँ पे जीरो एंट्री होगा उसका मतलब होता है नन, ठीक है। जहाँ पे जीरो एंट्री होगा उसका मतलब होता है नन, देयर इज नो डाटा देयर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटाज को। तो पहला मेथड होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आपको स्पेस सेव करेगा, सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लेक्स डाटा को, कंपैरिजन इजी हो जाता है, स्टैटिकल एनालिसिस आसान हो जाता है। अब देखिए क्या हो गया, जैसे मानिए आपने एक एक पेज में कंप्लीट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डाटाज को सजा के रखा था और आपकी वेरिएबल थी 5 मान लीजिए, फिर मैंने आपको आके कहा यार बहुत दिक्कत हो रहा है समझने में, आप एक काम करो इसको डाटा में, इसको बॉक्स में डाल दो, इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर दो। आप गए उसको एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4, एंट्री 5 डाल दिया, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, वेरिएबल 5 डाल दिया। अब मैं एक नज़र में देखूंगा इसको, अच्छा वेरिएबल 3 पे एंट्री नंबर 3 रिलेशन ये है, कितना आसान हो गया मेरे लिए। हाँ लेकिन आपको इसकी पकड़ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो और देखिए स्पेस भी कितना सेव किया इन्होंने, इसी को मैंने एक पेज में कंप्लीट रिप्रेजेंट किया था। तो सेव स्पेस थ्रू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा, कंपैरिजन इजी हो जाता है। अब मानिए एक बॉक्स यहाँ है, दूसरा बॉक्स यहाँ है, मैं आराम से देख के इसकी तीसरी एंट्री को इसकी तीसरी एंट्री से कंपेयर कर सकता हूँ ना। अगर यही सीट पे लिखा है तो मुझे पहले खोजना पड़ेगा कि तीसरी एंट्री कहाँ पे लिखी है, फिर दूसरे पेज में तीसरी एंट्री कहाँ लिखी है, फिर कंपेयर करूँगा। या फिर पहले मैं ये पता करूँगा कि मान लो अगर कोई एक गाँव है, उस गाँव में अगर मान लो कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, उस एंट्री पर जाकर फिर दूसरे गाँव की उस एंट्री में जाकर मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो ये कंपेरिजन आसान हो गया ना बॉक्स के बाद। चलिए तो ये हो गया आपको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग बात करेंगे डायग्रामेटिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए एक होता है सिंपल बार डायग्राम, उसमें क्या होता है डाटा को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। डाटा जहाँ पे मेंशन होगा वहाँ पे ले जाकर के आप उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर दोगे। ये हो गया सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स एंड वाई एक्सेस ले लिए और डिफरेंट डाटा की वैल्यूज ले लिए और उसकी मैग्नीट्यूड को दिखा दिए और उसकी कंपोनेंट के साथ, ठीक है। अब एक होता है मल्टीपल बार डायग्राम, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे आपने ए एंड बी दोनों वेरिएबल को दिखा दिया एक ही चार्ट में। ए को दिखा दिया डैश लाइन से, बी को दिखा दिया ब्लैंक लाइन से, डैश लाइन से दिखा दिया। अब जैसे मैं आपको बोलूँगा कि बी के बारे में बताओ तो आप ए को देखोगे ही नहीं, मतलब ही नहीं है इसे। मैं आपको अगर कह दूं कि ए के बारे में बताओ तो आप सिर्फ ए को देखोगे, बी से मतलब ही नहीं है आपको। तो मतलब दो वेरिएबल को आपने एक बार डायग्राम पर दिखा दिया तो वो मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, ठीक है। एक होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने यहाँ दिखाया ए और बी का, इसको हम लोगों ने एक ही स्ट्रिक पे, एक ही डायग्राम के चार्ट पे दिखा दिया,
ठीक है, जैसे मान लीजिए ए डाटा ये हो गया, बी डाटा ये हो गया, सी डाटा ये हो गया, ठीक है, और फिर से सी आ गया, बी आ गया क्योंकि बी ब्लैंक है। अब यहाँ ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, फिर बी ये हो गया, तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो आप अगर मान लो एक टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हो, ए के पास कितना है प्रॉपर्टी मान लीजिए, बी के पास कितना है, सी के पास कितना है, फिर ये 2001 की बात कर लिए हम, फिर 2004 में क्या हुआ, वही चेंज हो गया, ए के पास थोड़ा ज़्यादा आ गया, बी के पास भी ज़्यादा है, सी के पास कम हो गया। तो मैंने क्या किया, एक ही बार डायग्राम के एक ही स्ट्रिक पे तीन तीन वेरिएबल को, तीन तीन कंपोनेंट को दिखाने की कोशिश किया, तीन कंपोनेंट को, तीन डाटा को एक बार में रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ मैं, ठीक है। जब तीन चार डाटा को एक बार में रिप्रेजेंट करोगे तो वो हो जाता है आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम, एक ही बार डायग्राम पे आपने उसको डिवाइड करके रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसी तरीके से परसेंटेज बार डायग्राम आता है, कुछ नहीं है ये, अगर हम लोग इसी सब डिवाइडेड बार डायग्राम को रिप्रेजेंट कर दे परसेंटेज से तो वो हो जाएगा परसेंटेज बार डायग्राम। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी नोटेशंस यूज़ किया है डॉट डॉट, उसको यूज़ किया 20%, 30% इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ तो वो हो जाएगा सब डिवाइडेड बार ग्राफ, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, नोन एज परसेंटेज बार ग्राफ। अब हम लोग बात करेंगे डेविएशन बार ग्राफ। देखिए डेविएशन बार ग्राफ में क्या होता है, आपको जब भी नेगेटिव वैल्यू मिलना शुरू हो जाए तो वो समझ लो डेविएट कर गया, फंक्शन डेविएट कर रहा है, ठीक है। जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन आने लगा, जैसे मान लीजिए आपकी प्रोडक्शन थी 6 यूनिट 7 यूनिट, अब एकाएक माइनस 6 यूनिट होगी, मतलब आपने मान लो एग आप प्रोड्यूस करते हो, तो पहले आवर में आपने 6 यूनिट, दूसरे आवर में आपने 7 यूनिट प्रोड्यूस किया, तीसरे आवर में क्या हुआ कि आपकी जो ट्रे थी वो गिर गई, गिर के 6 अंडे टूट गए, तो माइनस 6 हो गया ना आपके कंपोनेंट से, तो ये डेविएशन हो गया आपका, ठीक है। एक होता है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा है, मान लीजिए 5-6 बिलियनेयर हैं, उनके पास घर है, अब ए के पास 2 घर है, बी के पास 3 घर है, लेकिन सी इतना ज़्यादा उसके घर का शौकीन है कि उसके पास 2000 घर है, डी के पास 5 घर है। अब आपको बार डायग्राम पे ये शो करना है, शो करोगे ए के पास 2 आपने दिखा दिया, बी के पास 3 दिखा दिया, लेकिन अब सी के पास 2000, तो क्या इसको 2000 तक दिखाओगे, तो कैसा लगेगा आपका बार डायग्राम, पूरा हो पाएगा कभी, नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम करोगे, उसको ब्रोकन बार डायग्राम दिखा दोगे और इसको डॉट 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 करके दिखा दोगे, हाँ ये बहुत दिन से चल रहा है और ये यहाँ तक 2000 हो गया, ठीक है। तो जब डाटा में बहुत ज़्यादा एकाएक जो सडन चेंज होता है किसी एक फैक्टर में, उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हिस्टोग्राम, जो कि कंटिन्यूस टेबल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो डिफरेंसेस थी 0 से लेके 5 ईयर्स तक देखना है आपका ग्राफ, फिर 5 ईयर से लेके फिर 10 ईयर तक हम लोग बात करेंगे, 10 से लेके 15 तक बात करेंगे। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इंटरवल हो रहा है लेकिन कंटिन्यूस इंटरवल है, मतलब 0 से 5, फिर 5 के बाद तुरंत स्टार्ट हो गया, फिर 5 से 10 और 10 के बाद फिर तुरंत स्टार्ट हो गया। तो ये जो कंटिन्यूस सेगमेंट हो गया ना, जहाँ पे कंटिन्यूस टेबल बन जाए ना, उसको कहते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। बार ग्राफ जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी थी, ठीक है, डेविएशन जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी आई, हिस्टोग्राम जो हो गया वो कंटिन्यूस टेबल की तरह हो गया, क्लियर है। अब देखिए, अब जितने भी हिस्टोग्राम में जो कंटिन्यूस टेबल बना है उसके पीक को पकड़िए, उसके पीक को टच कीजिए, ठीक है, टच कीजिए पीक में, जैसे डाटा के पीक हो गई और उसकी मिड सेंटर पर जाइए और उसको मीट कर दीजिए। मीट किया आपने तो ये जो कर्व बनाना, कर्व विच वी विल गेट ऑन कनेक्टिंग द मिड सेंटर ऑफ ए हिस्टोग्राम विल गिव अस द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर बन गया है, चलिए। अब एक टर्म होता है ओगाइव, या ओगिव पढ़ लीजिए, ओगाइव पढ़ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, एक तरीके से समझिए, जब आपकी वैल्यू वेरिएबल आगे की तरफ बढ़ती है ना, तो जो ओगिव, एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि कोई एक डिजीज है किसी कंट्री में, किसी प्लेस पे, किसी लोकेशन पे बढ़ रही है, तो लोग वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है, तो दो वेरिएबल एक साथ चल रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, ये समझ में आया आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो जो वेरिएबल बढ़ रहा है उसको कहते हैं लेस देन ऑगिव, जो वेरिएबल घट रहा है उसको कहेंगे मोर देन ऑगिव, मतलब जो कर्व बढ़ रहा है और घट रहा है, कर्व पे ध्यान रखना बस। अब एक चीज़ समझना, आगे हम लोग बात करेंगे इस, जहाँ पे ये दोनों ऑगिव, जहाँ पे ये दोनों लाइन मोर देन ऑगिव और लेस देन ऑगिव कटता है ना, उसी पॉइंट को नीचे एक्सटेंड करने के बाद जो पॉइंट निकलता है वेरिएबल की, उसको कहते हैं मीडियन, ये हम लोग आगे समझने वाले हैं, अभी बस इतना जान लो, ठीक है। एक होता है मोर देन ऑगिव, लेस देन ऑगिव,
नाम पता रहेगा आप ऑप्शन टिक करके आ जाओगे, क्वेश्चन देखना थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। फिर बात करेंगे हम लोग पाई डायग्राम की। अब जितने भी डाटाज हैं आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, और टोटल अगर पाई को लोगे, अगर टोटल सर्कल को लोगे तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इस पर स्केल कर लो, क्लियर है। अगर मान लो 50% डाटा अगर वीट यूज़ करने का है तो 180 हो गया ना, 180 डिग्री। तो आप कैसे पाई चार्ट बनाओगे, स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये 180 डिग्री हो गया तो 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। अब मैंने आपको बता दिया 50% वीट यूज़ कर रहे हैं और रिमेन, और जो 50% का बच गया उसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन कर लो। तो आपने क्या किया, उस डाटाज को परसेंटेज में कन्वर्ट किया और डिग्रीज में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में। अब देखिए क्या होता है, आखिर हम लोग इसको मेजर क्यों करते हैं। जो भी डाटा हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मोड में करके लाया है, ऐड करके लाया है, ऑब्जर्वेशन करके लाया है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है ना उसमें क्लोजेस्ट जो होगा ना वो सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपके पास पूरी डाटा आ गई, इस डाटा में हम लोग सबसे बेस्ट क्लोजेस्ट चीज़ को निकालना चाहते हैं, उसी को कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके यहाँ आपके शहर में ये पैटर्न बन रहा है रेनफॉल का, ठीक है। तो आप जब भी बात करोगे ना तो यहाँ की बात करोगे जहाँ पे पीक रेनफॉल होगा, जिस टाइम पे पीक रेनफॉल होगा। हमेशा याद रखिएगा कंडीशंस को इस तरीके से लेकर चलना होता है। अब देखिए सेंट्रल टेंडेंसी तीन तरीके की, एक होती है मीन, एक होती है मोड एंड मीडियन। मीन मीडियन मोड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब अपनी पूरी की पूरी वो क्यूरियोसिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे यहीं से पूछता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। जब बहुत ही ह्यूज डाटा है आपके पास और अगर आप उसको समराइज फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए ना तो ये इजीली कर देगा कोई फंक्शन, कंपैरिजन इजी हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। और साथ साथ में दो टर्म होता है, एक होता है डिस्पर्शन, एक होता है स्क्यूनेस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। इसके बारे में कैलकुलेशंस आसान हो जाएगा इफ़ यू विल राइट एनीथिंग इन फंक्शन फॉर्म। अब हम लोग मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक एरिथमेटिक मीन की तरफ। हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं सम ऑफ ऑल द वैल्यूज और ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो आपने क्या किया, मीन का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स बार, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे x1 x2 x3 xn तक बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया। अब देखो इसको लिखते हैं सिग्मा फॉर्म में, समेशन फॉर्म में, ठीक है। एक ऑपरेटर होता है जो क्लमजीनेस है ना, इसको कॉम्पैक्ट कर देता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने xn लिख दिया, n क्या है, वेरिएबल है, n को वेरी करा दो या फिर कैपिटल n ले लो, अगर ऑब्जर्वेशन को n ले रहे हो आप। तो n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू n पे चले जाओ, कैपिटल n ले लो, मतलब समझ में आया। अब इसमें वैल्यू डालो x1, समिंग ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कहते हैं समिंग ऑपरेटर, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn तक जाएगा, यही तो बता रहा ना ये, बाई n कर दो, ये मीन हो गया। x क्या है, वेरिएबल्स है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो ये मीन हो गया। एकदम बेसिक फार्मूला और ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मानिए आपको इंडिविजुअल के बारे में निकालना है तो आपको क्या चाहिए, नेम चाहिए, मार्क्स चाहिए। अब ना डिस्क्रीट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मार्क्स तो चाहिए लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। मतलब मान लीजिए 50 मार्क्स 10 लोगों ने लाया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10, अगर 80 मार्क्स 60 लोगों ने लाया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 60। तो जब भी हम लोग डिस्क्रीट मोड में बात करेंगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितनी बार रिपीट कर रहे हैं उस नंबर को, ठीक है। अगर पांच इंडिविजुअल पांच यूनिक नंबर लेके आ रहे हैं तो वो तो इंडिविजुअल मोड हो गया, लेकिन उसी में से दो ऐसे हैं जिनकी सेम मार्क्स है तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब एक कंटिन्यूअस मोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, ये यहाँ t=1 से लेकर के t2 तक आपकी जो कर्व है वो कंटिन्यूअस है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रखी है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो कहाँ से कहाँ तक ब्रेक नहीं हुई है, t1 से लेकर के t2 तक, तो ये रेंज हो गई। तो जब भी हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस ग्राफ की तो रेंज की बात करेंगे, ठीक है।
तो अगर हम लोग मीन निकालने की कोशिश करें डिस्क्रीट सीरीज में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार दैट इज मीन इन डिस्क्रीट सीरीज इज समेशन एफ एक्स। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन एक्स हो गया, मान लीजिए आपके 80 नंबर आ रहे हैं बट कितने लोग के आ रहे हैं, तो 5 लोग के आ रहे हैं, इस तरीके से ऐड कर देंगे सारे को और बाकी सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। जैसा आपने मीन को निकाला था उसी तरीके से डिस्क्रीट सीरीज को निकालोगे, लेकिन कोई फर्क नहीं है, बस यही है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हो गया एक ही ऑब्जर्वेशन को, एक ही डाटा को दो तीन लोगों ने अपने दो तीन लोग लेके आ गए हैं। अब इसी में हम लोग कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे x की जगह m से रिप्लेस हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है। m क्या है? मिड पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ का ये ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, बेसिकली सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या हुआ, डेविएशंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। डेविएशन जैसे मैंने आपका ऑब्जर्वेशन एक्स है और आपकी मीन है एक्स बार, आप उस ऑब्जर्वेशन से अपने मीन को जब भी घटाओगे ना तो वो हमेशा जीरो वैल्यू देगा, और टोटल को सम करोगे तो ठीक है। डेविएशन हम लोग और अच्छे समझेंगे, तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स इज ऑब्जर्वेशन, एक्स बार इज मीन, हमेशा जीरो होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक डाटा है 10, 20, 30, एक ऑब्जर्वेशन है, इसकी मीन क्या हो गई, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 10 + 20 + 30 दैट इज 60, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3, तो ये हो गया 20। अब इसकी डेविएशन कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। डेविएशन क्या हो जाएगा, 10 माइनस 20, इसको इससे घटाओ, डेविएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को उठाओ मीन से घटा दो, तो 10 माइनस 20, तो ये आपको क्या मिल गया, -10 पहले का डिवीजन। दूसरे का डिवीजन देखिए, 20 माइनस 20, क्योंकि डिवीजन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। अब देखिए तीसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, 30 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 20। अब इस तीनों को ऐड कीजिए, 10 माइनस 20 इज -10, 20 माइनस 20 इज 0, 30 माइनस 20 इज +10। तो जब भी आप डिवीजन को तीनों को ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा, -10 + 0 + 10, तो ये कट गया, ये हो गया 0। तो कभी भी ये मीन की कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी आप उसके डेविएशंस के ऑब्जर्वेशंस के डेविएशंस को ऐड करोगे ना तो वो हमेशा जीरो आएगा, और इससे क्वेश्चन बन जाएगा अरिथमेटिक फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शनल फॉर्म में ये बन जाएगा। अब क्या कह रहा है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, क्या कह रहा है कि अगर आप उसी डिवीजन का स्क्वायर कर दो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। अगर हम लोग उसी डिवीजन्स के स्क्वायर को ऐड कर देना तो जो हमें डाटा मिलेगा वो मिनिमम होगा। अब सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कहता है अगर हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस किसी भी सीरीज की ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, या तो इंक्रीज कर दो ऑब्जर्वेशन को या डिक्रीज कर दो किसी भी फैक्टर से, किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी स्केलर वैल्यू के से, तो जो अरिथमेटिक मीन होगा ना न्यू सीरीज का वो भी डिक्रीज या इंक्रीज कर जाएगा फैक्टर के। मान लीजिए x1 x2 xn आपके पास ऑब्जर्वेशन था, इसके मीन क्या हो गया, एक्स बार हो गया। अब आपने क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में प्लस माइनस के लगा दिया, या तो प्लस के एक्स वन प्लस के लिख दो या एक्स वन माइनस के लिख दो, ठीक है। तो आपने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन में जोड़ दिया या जो हर एक ऑब्जर्वेशन में घटा दिया, तो उसकी जो मीन आएगी ना वो हो जाएगी एक्स बार प्लस और माइनस के। मतलब आपने इच ऑब्जर्वेशन में सीरीज के या इंक्रीज किया या डिक्रीज किया किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू के से, तो जो अरिथमेटिक मीन बनेगी नई सीरीज की वो सिंपल सी बात है, या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी प्लस माइनस के से, क्योंकि आपने प्लस माइनस किया है, ठीक है। और बहुत ही आसान है ये, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लो हर एक ऑब्जर्वेशन को आप उस सीरीज की या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो किसी एक वैल्यू के से, तो उसकी मीन भी जो होगी वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, x1 x2 .xn आपकी ऑब्जर्वेशन थी जिसकी मीन थी एक्स बार। अब आपने क्या किया, मान लो डिवाइड कर दिया x1 / k x2 / k, हर एक ऑब्जर्वेशन को k से डिवाइड कर दिया, xn / k हो गया, तो आपकी जो मीन होगी ना वो भी x bar / k हो जाएगी। समझ रहे हो, इसमें क्या समझना है, बहुत आसान है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें, ठीक है, बस प्रॉपर्टीज है, एक बार सुन के जाना, एग्जाम में टिक करना है और इससे क्वेश्चन बनेगा। एक होता है करेक्टेड मीन,
ठीक है, मान लो आपने किसी ऑब्जर्वेशन को ऐड किया, उसमें कुछ रॉन्ग वैल्यू आ गई, आ सकती है, ह्यूमन एरर है, सिस्टम एरर हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले मीन कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन अब जो आपने सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड किया है उसमें कुछ रॉन्ग डाटा भी ऐड हो गए हैं, मान लो चार रॉन्ग डाटा ऐड हो गए हैं, मान लो चार रॉन्ग डाटा ऐड हो गए पाँच की जगह, आपको पाँच एंटर करना था लेकिन चार ऐड हो गए हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो जो आपने सम तो लिखा है वो लिखा है, सारे ऑब्जर्वेशन का सम लिखा है, अब उसमें आपको पता नहीं चल रहा क्या करना है, तो आपको लिखना था पाँच, आपने उसकी जगह लिख दिया चार, तो आप एक काम करो पहले पाँच लिख दो और फिर माइनस चार कर दो, बात वही होगी ना, इसमें चार है वो इससे डिलीट हो गया और पाँच ऐड हो गया, तो ये ज़बरदस्ती का कंसेप्ट बनाया गया, इसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो रॉन्ग डाटा को टोटल, जो भी टोटल ऑब्जर्वेशन आपने ऐड किया था उसमें रॉन्ग डाटा है, उस रॉन्ग डाटा को माइनस कर दो और एक करेक्ट वैल्यू को डाल दो बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा क्योंकि आपने एक ऐड किया एक सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब एक होता है वेटेड मीन, मीन तो हम लोग पढ़ लिए, अब एक होता है वेटेड मीन, इसको समझते हैं। जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट वेटेड वैल्यूज होंगे उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए एक लड़का, एक बंदा एक्स है, वो चार रोटी खाता है, एक बंदा दूसरा है वो दो रोटी खाता है, इसी तरीके से तीसरा है वो छः रोटी खाता है, ठीक है। तो सारे, अब आपको रोटी बनाने हैं मान लो, और रोटी इसकी मीन निकालनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की मीन निकाली कौन कितना खाता है। तो अब एक बात बताइए, इवनली होता कि मैंने सबको चार 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 दिया है तो कोई बात होता, लेकिन सब ने अलग अलग रोटी खाया है, मतलब सबकी वेट अलग अलग है, सबकी वेटेड मीन अलग होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन में वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेट मतलब वजन वाला वेट नहीं, उनकी जिस रेशियो से वो इट कर रहे हैं, जिस रेशियो से वो फैक्टर्स को ले रहे हैं, बाई टोटल वेट को ऐड कर दीजिए, वो हो गया वेटेड मीन, कुछ भी था कुछ भी नहीं है। एक होता है कंबाइंड मीन, इफ वी हैव अरिथमेटिक मीन एंड अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ टू और मोर ग्रुप्स वी कैन कंप्यूट द कंबाइंड एवरेज। मतलब मान लीजिए आपके पास दो या एक से ज़्यादा मीन की वैल्यू है, दो ग्रुप्स हैं, दोनों की आपने मीन निकाल रखी है, अब आप क्या करोगे, मान लो एक था x1, x2, x3, ठीक है ये एक ग्रुप हो गया, एक हो गया y1, y2, yn, इस दोनों की मीन आपने निकाली, एक की x बार हो गई एक की y बार हो गई। अब आपसे कोई कह दे इसकी n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी इसकी n2 थी, कि अब आप कंबाइंड मीन निकाल दो, इस दोनों की मीन बता दो, तो आप क्या करोगे, जिस तरह वेटेड निकाले हो, देखो n1 x1 बार दैट इज़ पहले की मीन, पहले का वेटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह से n2 x2 बार सेम चीज़ बाय n1 प्लस n2, मैं सिर्फ दो वेरिएबल को लेकर बता दिया, दो ग्रुप को, इस तरीके से आप n नंबर ऑफ ग्रुप को ऐड कर दो, कुछ भी है इसमें कुछ भी नहीं है। अब एक टर्म आता है ज्योमेट्रिक मीन, आपने बचपन से सुना होगा, नहीं सुना है फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका बेसिक मतलब होता है कि nth रूट किसी भी प्रोडक्ट का, किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का निकाल दो, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसको जीएम कहते हैं। मतलब आपने, तो अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का एक्सप्लेनेशन देखें तो सीधी सी बात है, nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का nth रूट लेना है, सारे प्रोडक्ट जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनके प्रोडक्ट कर लो, फिर उसका nth रूट ले लो, ठीक है, यही बेसिक ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है ज्योमेट्रिक मीन का, तो देखिए अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन का मतलब पता है कि वो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की प्रोडक्ट ले रहे हैं और रूट कर रहे हैं nth रूट, तो अगर मान लो हम लोग दो ऑब्जर्वेशन लेते हैं या फिर दोनों तरफ nth स्क्वायर कर देते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। अगर आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो है, अनडिफाइंड है, नो वैल्यू है, तो पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक मीन आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ के टर्म में आ जाएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द मेरिट्स जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए। देखिए ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना वो सारे की सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, अगर आप किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को जीरो करोगे तो कंप्लीट ज्योमेट्रिक मीन जीरो हो जाएगा। और यह ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रिजिडली डिफाइंड होता है, द फ्लक्चुएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्रिक मीन। अगर मान लीजिए कुछ फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस में, हल्के से फ्लक्चुएशंस, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्योमेट्रिक मीन के वैल्यू को। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो स्मॉलर वेट्स, स्मॉलर आइटम्स होगा उसको ज़्यादा वेट देता है। अब डिमेरिट्स क्या है, अ ज्योमेट्रिक मीन इज़ नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल। अब समझिए, आप समझ जाइएगा, आप स्टैटिस्टिक पढ़ रखा है, कॉमर्स कर रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, कोई नॉन मैथमेटिकल पर्सन है वो नहीं समझ पाएगा। अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन जीरो हो जा रहा है, ज्योमेट्रिक मीन जीरो हो जा रहा है,
फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑब्जर्वेशन जीरो था, या फिर किस ऑब्जर्वेशन की वजह से जीरो हो रहा है, या फिर बाकी की ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी आ रही है ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मान लीजिए कोई एक ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन निगेटिव आ जा रही है तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। अब मानिए कोई एक ऑब्जर्वेशन निगेटिव हो जा रही है तो रूट अंडर निगेटिव क्या होगा, आयोटा वैल्यू देगा, इमेजनरी वैल्यू देगा। इमेजनरी वैल्यू डिफाइन नहीं होता मैथ्स में, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ, ठीक है। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन खत्म, अब हम हार्मोनिक मीन की तरफ का चलते हैं। अब देखिए हार्मोनिक मीन होता क्या है, हार्मोनिक मीन कुछ नहीं है, बस आप एक चीज़ समझिए, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लीजिए और ऑब्जर्वेशंस का भी रेसिप्रोकल ले लीजिए। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल लीजिए एंड ऑब्जर्वेशंस का भी निगेटिव रेसिप्रोकल लीजिए। जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक मीन क्या था, x1 + x2 x3 xn बाई एन था। अब आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है एंड जितने सीक्वेंस थे उसका भी रेसिप्रोकल लेना है, 1/2 तो करना ही है इसको, साथ में इसके ऑब्जर्वेशंस का भी 1/2 करना है, ठीक है। तो ये हो गया हार्मोनिक मीन। अब एक बात बताइए मुझे, 1/x1 लिखा है तो क्या x1 कभी भी जीरो हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। अगर x1 टेंड्स टू जीरो हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। अगर हम लोग यही बात कर ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी FI, सीधी सी कंसेप्ट है। अब देखिए ये जो टॉपिक मैं कराने वाला हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन आप UPSC का कोई भी एग्जाम दे लो जहाँ पे स्टैट पोर्शन है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एकदम रट के जाना, ठीक है। अब देखिए हार्मोनिक मीन की सबसे लिस्ट वैल्यू होती है, अगर हम लोग कंपेयर करें ज्योमेट्रिक मीन से और अर्थमेटिक मीन से, तो ये टेबल ये डब्बा याद रखना, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आपने कैसे पढ़ाई किया, अर्थमेटिक पहले पढ़ा फिर ज्योमेट्रिक आया फिर हार्मोनिक आया, उसी तरीके से सजा दो, क्या दिक्कत है। सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, हमेशा याद रखिएगा हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होगा। तो ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया ना, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे, और याद रखिएगा इन चीज़ों की प्रॉपर्टी से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अब अगर मान लीजिए व्हेन द डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पॉजिटिव वैल्यू, अगर सिर्फ 2 पॉजिटिव वैल्यू का डाटा सेट है, जैसे मान लीजिए x1 x2 है, अब मान लीजिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव वैल्यू है, x1 x2 मान लीजिए 4 है और 5 है, सिर्फ लिमिटेड होगा इसी 2 पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अगर ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, वहाँ पे अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में दे देगा दो सेट, कहेगा व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन इफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज गिवन, समझ रहे हो। 3 डाटा दे देगा, 3 मीन की वैल्यू दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें कौन हार्मोनिक है, कौन ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, कौन अरिथमेटिक मीन हो सकता है। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, समझ रहे हो। और अगर दो ऑब्जर्वेशन दे दिया और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दे दिया, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दे दिया, आपको बोल दिया हार्मोनिक मीन निकालने के लिए, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन कन्फ्यूज तब नहीं होगे जब आपको रिलेशनशिप वाली टेबल याद होगी, और कुछ उसमें याद ही नहीं करना है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 3 देखते हैं, कहता है फॉर एनी 2 नंबर, कोई एक 2 नंबर है एक्स एंड वाई, लेट एक्स ए वाई बी द सिक्वेंस ऑफ 3 नंबर्स, कोई 2 नंबर था एक्स एंड वाई, उसके लिए एक सिक्वेंस है एक्स ए वाई, कोई एक सीरीज है। अगर एक्स ए वाई AP में रहा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहा, तो A जो होगा ना वो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अगर कोई एक्स और वाई कोई 2 आपके पास ऑब्जर्वेशन था और इसको किसी सिक्वेंस में डाला गया, एक्स ए एंड वाई आया आपके पास ऑब्जर्वेशन फाइनल सीरीज, तो अगर एक्स ए वाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ए जो होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा। अगर एक्स ए वाई अगर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो ए जो होगा ज्योमेट्रिक मीन होगा, सीधी सी बात है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अर्थमेटिक मीन देगा बीच वाला वैल्यू, और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाली वैल्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देगा। इसमें तो कुछ नया मैं कह नहीं रहा हूँ। अगर एक्स ए वाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ए जो होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन देगा, बस बहुत बेसिक है। अब हम लोगों ने मीन देख लिया,
अब हम लोग बात करेंगे मीडियन की। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू किसी भी सीरीज का। जब उस सीरीज को आप ऑर्डर में, मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में सजा दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मीडियन एक मिडिल वैल्यू होती है किसी भी सीरीज की, जब आप उसको अरेंज कर दोगे उनके मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में। समझ में आ गया? अब मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड करता है सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में। मीडियन का काम ही यही है कि पूरे के पूरे सीरीज को, जैसे मान लो ए बी सी डी ई, तो दो इक्वल भाग में कर देगा, ये मीडियन हो जाएगा। मीडियन डिवाइड ही करेगा पूरे सीरीज को दो इक्वल पार्ट में, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम ई से। आपके पास रॉ डेटास का इन्फॉर्मेशन है, फिर आपने उसको अरेंज कर दिया। अरेंज किस तरीके से कर सकते हैं, दो पॉसिबल, देयर आर टू पॉसिबल ऑप्शंस, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द मैग्नीट्यूडियल ऑर्डर। आप असेंडिंग में कर दो, डिसेंडिंग में कर दो, ये पहला टास्क हो गया आपका। रॉ डाटा आपको मिला, फिर आपने उसको अरेंज किया। अरेंज करने का दो तरीका, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये आपका पहला टास्क हो गया। पहला, सबसे पहले ये टास्क करोगे, उसके बाद मीडियन खोजोगे ना, सिम सीधी सी बात है। या तो उसको अरेंजिंग ऑर्डर में कर दो या डिसेंडिंग में कर दो, बीच में मीडियन खोज लो। अब हम लोग मीडियन के फॉर्मूला को देखते हैं। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, किसी एक सिंगल सीरीज सिंगल डाटा की बात कर रहे हैं, तब मीडियन फॉर्मूला क्या होगा। अगर आइटम्स नंबर ऑफ ऑड है, जैसे 1 2 3 4 5, ये ऑड सीरीज है, एक्स वाई जेड ए बी, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा एकदम, इसको एकदम एग्जाम में अगर आप पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले छोड़ के जा रहे हो, तो आप गड़बड़ कर दोगे। वो भी बेसिक बेसिक फॉर्मूले, कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में याद करो, थ्योरी आपको पता होना चाहिए। जैसे मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ये एक मतलब एक बात कह रहा हूँ। एच पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ग्रेटर देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंटू ज्योमेट्रिक इंटू हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्क्वायर। किस केस में, जब हम लोग दो ऑब्जर्वेशन दो वेरिएबल को लेंगे और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। चीज़ों को याद करो, एक दो बार वीडियो सुन लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें ऑड नंबर ऑफ आइटम्स की, जब ऑड नंबर आइटम्स हो हमारे सीरीज में, हमारे सिक्वेंस में, तो मीडियन हो जाता है एन प्लस वन। देखिए, तो मीडियन हो जाता है एन प्लस वन बाई टूथ टर्म, मतलब एन प्लस वन बाई टूथ टर्म हो जाएगा आपका मीडियन। जैसे मान लो ये पांच सीरीज का ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दे दिया, एक्स वाई जेड ए बी, कितने नंबर ऑफ नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5, पांच है, क्लियर है। अब टोटल एन कितना हो गया, पांच, 5 + 1 / 2 हो गया, तो थर्ड एलिमेंट जो होगा वो मीडियन होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा वो मीडियम होगा, तो जेड यहाँ पे मीडियन हो गया। एकदम आसानी से बता रहा हूँ, कुछ भी मैं वो नहीं बता रहा हूँ। अब अगर मान लो ये हो गया इवन ऑड नंबर का, अब मैं बात करूँगा भाई इवन की क्यों बात करें, सीरीज तो ऑड भी हो सकती, ऑड क्यों बात करें, इवन भी तो हो सकती है। तो जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास हो, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास है, कितने कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, आपको हो गया, आ गया सर इवन नंबर आ गया। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो इस केस में आपको मीडियन निकालने के लिए एन प्लस वन बाई टूथ टर्म निकाल लो पहले, तो 6 हैं तो 6 + 1/7 हो गया, तो ये कितना आ गया, 3.5 हो गया। भाई मेरे 3.5 तो सिक्वेंस में आता नहीं है, सीरीज में आता नहीं है, तो बोलेगा रुको वेट करो, तीसरे को पकड़ो और उसके अगले को पकड़ो, तीसरे को पकड़ो और उसके अगले को पकड़ो, तो किसको किसको पकड़ लिया, इस जेड और ए को पकड़ लिया, तो मीडियन क्या हो जाएगा पता है, जेड प्लस ए बाई टू। ये इवन नंबर का कंसेप्ट हो गया, मतलब जो दो आइटम वैल्यू आपको लाई कर गई उस वैल्यू उस डेटम पॉइंट पे, एन प्लस वन बाई टूथ टर्म पे, उसको उठाओ, उसके एवरेज निकाल दो, ठीक है। ये हो गया आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर इवन नंबर। अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, सेम चीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एक ही ऑब्जर्वेशन पे दो तीन आदमी होते हैं, तो इसका भी मीडियन सेम तरीके से निकलेगा, आपको पता होना चाहिए। एन प्लस वन बाई टू आइटम मीडियन ही बताएगा। वैल्यू कैन बी फाउंड बाई लोकेटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू ऑफ द नेक्स्ट हायर टू इट, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे चलेगा। अब एक और टर्म आता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, आपको पता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है कंटिन्यूस सीरीज किस तरीके से मूव करेगा। जैसे हो गया ए बी सी डी, इसके बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, उस केस में क्या करेंगे ना, मीडियन की वैल्यू एन प्लस एन बाई टूथ आइटम निकालेंगे, वो जो रेंज देगा ना वो होगा मीडियन क्लास।
मैं आपको बता रहा हूँ, वो रेंज देगा मीडियन क्लास, वो मीडियन नहीं देगा, वो देगा मीडियन क्लास। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो आपके 6 ऑब्जर्वेशंस था, 6/2/3 मतलब तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो इसके बीच में जो, अब देखिए मान लीजिए सी माइनस डी क्या है, रेंज है, सी माइनस डी क्या है, ये रेंज है, तो इसके बीच की वैल्यू होगी, तो उसको हम लोग मीडियन नहीं कहेंगे, उसको हम मीडियन क्लास कहेंगे, मतलब उसी के बीच में मीडियन कहीं ना कहीं सिचुएटेड है। तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं करना है, याद ना हो आगे बढ़ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीडियन इस केस में कैसे निकलेगी, जब हम लोग रेंज की बात करेंगे, क्योंकि हमें स्टैटिस्टिक में मीन मीडियन मोड एक डेफिनेट डाटा चाहिए, ए बी सी डी ई एफ 10, 12, 14, 15, 16, लेकिन हमें रेंज नहीं चाहिए 5 से 8, 5 से 9, 8 to 10, ऐसा नहीं होता मीडियन मोड में, ऐसा नहीं होता स्टैटिस्टिक में। तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, जब हमें मीडियन क्लास की रेंज मिल जाएगी, रेंज कैसे मिल गई, n/2 टर्म को हम रेंज देख लिए, रेंज हमें मिल गई सी बाई डी, मान लीजिए सी माइनस डी, सी माइनस डी के बीच में। अब हम लोग मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसके डेरिवेशन से सब देखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू I। अब आप पूछोगे यार इसको याद करना जरूरी है, देख के चले जाना, क्या पता किस्मत खराब हो। ठीक है, बेसिक हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से आप कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालोगे। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, L1 प्लस n/2 माइनस CF कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बाई फ्रिक्वेंसी इंटू I। अब देखिए L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। आपने सेलेक्ट किया, मान लो लेट्स अज्यूम बी माइनस सी मीडियम क्लास को आपने सेलेक्ट कर लिया, किस तरीके से किया, तो मीडियम क्लास निकालने के लिए n/2 जो टर्म होगा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टर्म नहीं है, यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, तो रेंज अवेलेबल है तो आपको क्लास मिलेगा, तो जो क्लास मीडियम क्लास से मिलेगा हमें इससे, वो हो जाएगा मीडियम क्लास। ठीक है, फिर अब मीडियम क्लास मिल गया तो ये फॉर्मूला हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। तो L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, मान लीजिए बी माइनस सी अगर मीडियन क्लास है तो L1 हो जाएगा B, लोअर लिमिट। ठीक है, अगर CF की बात करें, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, अब देखिए प्रीसीडिंग कह रहा है, ठीक है, सक्सीडिंग नहीं कह रहा है, तो B माइनस सी के पहले वाला क्लास कौन सा है, A माइनस बी है। ठीक है, तो इसकी हम लोग A माइनस बी वाले क्लास पे जाकर के हम लोग उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मैं आगे बताता हूँ आपको किस तरीके से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, F क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी हो रही है, वो होगी उसकी F, सिंपल सा वो अप्लाई करेंगे हमें मीडियन मिल जाएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखिए मान लीजिए ये मार्क्स फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल दे रखा है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा है, ये हमें भरना है, फिल करना है। तो देखिए मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक मार्क्स आ रहे हैं ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, दो मार्क्स आ रहे हैं बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तीन मार्क्स आ रहे हैं सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम लोग बात करें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो ए के लिए फर्स्ट के लिए वन मार्क्स के लिए हो जाएगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ए, टू के लिए हो जाएगी जिसमें वन भी आ जाए और टू भी आ जाए, सबको ऐड करते चलिए यहाँ से इसके लिए, अगर इस पॉइंट पे हैं तो इस दोनों को ऐड कीजिए, इस पॉइंट पे हैं तो इस तीनों को ऐड कीजिए, इस पॉइंट पे हैं तो इस चारों को ऐड कीजिए, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्लियर हो गया, एन क्या हो जाएगा, सारे को ऐड कर दीजिए फ्रीक्वेंसी को, वही तो एन हो गया ना। अब बहुत ईजी है, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले को देख लीजिएगा, L1 प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू I। अब देखिए I क्या है, तो I आपने जो मीडियन क्लास आपका निकला है B माइनस सी मान लीजिए, तो I हो जाएगा B माइनस सी। अगर मानिए B की वैल्यू 8 है, 8 से लेके 12 तक है, तो I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू हो गई 4, मतलब 12 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, अगर मानिए कोई एक ओजाइव दिया हुआ है, उसकी मीडियन कैसे निकालेंगे, ये समझना है, मीडियन ऑफ एन ओजाइव। तो देखिए एक तो मोर देन ओजाइव दिया होगा, एक लेस देन ओजाइव दिया होगा, मैंने ओजाइव के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अब क्या करेंगे, तो जहाँ पे ये ओजाइव इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसको एक्सटेंड करेंगे एक्स एक्सिस तक लाएंगे, और जो जहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है, देर आर चांसेस, कि सिर्फ और सिर्फ लेस देन और मोर देन ओजाइव दिया हो, मोर देन अजाइव ये हुआ, लेस देन अजाइव ये हुआ, सिर्फ अगर वो दिया होगा तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे। देखिए MCQ में पूछने का चांस कम है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए बेसिक n/2 को कैलकुलेट कीजिए, n आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n/2 आपने कैलकुलेट कर लिया, मान लीजिए n/2 आपका आया 17.5, आप क्या कीजिए 17.5 पे जाइए, उसको फिर ड्रॉप कीजिए एक्स एक्सिस पे, एक्स पे ड्रॉप डाउन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही मीडियन हो जाएगी। क्लियर हो गया बहुत आसान तरीके से। अब एक टॉपिक होता है क्वार्टाइल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम सुना होना चाहिए, एग्जाम में बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्वार्टाइल्स के केस में क्या होता है, देखिए क्वार्ट मतलब ये होता है 1/4, चौथा हिस्सा समझ लो।
किसी भी लाइन को अगर आपको चार हिस्से में काटना है तो आप उसको कितने स्ट्राइक डाउन करोगे? मैं करूँगा तीन, एक दो तीन, वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, क्लियर है? तो हमें डाटा को चार भाग में बांटना है तो तीन कट करना पड़ेगा। अब एक चीज़ मुझे बताओ आप, अगर मान लो आपने चार भाग में कट कर दिया तो ये जो पहला पार्ट होगा वो कितना होगा? 25%। सब 25% है लेकिन आप एंड पॉइंट से जोड़ना शुरू करो, ठीक है? तो ये 25 हो गया। अब इसको छोड़ के यहाँ से जितने भी पार्ट्स बच गए वो 75% हो गए बचेंगे, इसको छोड़ के यहाँ से जो भी पार्ट बचेगा 50% बचेगा, इसको छोड़ के यहाँ से जो भी पार्ट बचेगा 25% बचेगा। आप जिधर से भी मूव कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ मैंने कट किया उसको Q1 Q2 Q3 दे दिया, उसको क्वार्टाइल्स कहते हैं। नॉर्मली जो सेंटर टर्म होगा ना क्वार्टाइल्स का, वही उसका मीडियन होता है। Q1 क्या है? Q1 आपको लोअर क्वार्टाइल हो गया क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट है वो। Q2 आपका मीडियन हो गया। Q3 क्या हो गया? ये अपर क्वार्टाइल हो गया Q3। अगर हम लोग क्वार्टाइल की वैल्यू निकालें, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी देख लीजिए, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल कैसे निकलेगा? Q1 Q1 की बात कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर N+1/2, नॉर्मली हम लोग 2 लेते हैं क्योंकि हम लोग मीडियन की बात करते हैं, हाफ की बात करते हैं, लेकिन क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये तो क्वार्टाइल्स Q1 निकल गया क्योंकि क्वार्टाइल फॉर्मेट है तो यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना पड़ गया। मीडियन की बात कर ले, Q2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, N+1/4 हो जाएगा। देखो इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको। Q3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड पार्ट N+1/4 हो जाएगा क्योंकि क्वार्टाइल है तो 4 हो जाएगा। अगर मान लो क्वार्टाइल की जगह डेसाइल दिया होगा तो 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, N+1/10 कर देंगे। 100 पार्ट्स दिया रहेगा तो उसी को तो परसेंटाइल कहते हैं ना, समझ में आया परसेंटाइल का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? हाँ ठीक है, तो ये था हमारा क्वार्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल। अब हम लोग मूव करते हैं मोड पे, मीन मीडियन ओवर मोड पे चलते हैं। देखिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, अब ये मत पूछिए कि ये सफिशियंट है। मैं आपको बताता हूँ, आप एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको इसी नोट से, ठीक है? तो मोड देखते हैं, वैसा नंबर जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऑकर हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10, 12, 14, 4, 9, 6, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 9, 6, 8, 6, 4, यहाँ सबसे ज़्यादा कौन फ्रिक्वेंटली वो हो रहा है, बुमरैंग कर रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो वो है 4। तो नंबर ऑफ ऑकरिंग जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नंबर आ रहा है किसी इंडिविजुअल सीरीज में, तो उसको हम लोग मोड कहते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आपको एक सीरीज दे रखेगा आप आराम से बता दोगे ये मोड है, ठीक है? इसको डिनोट करते हैं लेटर जेड से। अगर कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो क्लास विद द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी विल बी द मॉडल क्लास या मोड क्लास। अब देखिए मोड का फॉर्मूला होता है, आप समझ लो तो अच्छी बात है। जैसे मोड क्या हो जाएगा, L1+F1-F0, मैं बताता हूँ कौन सा टर्म क्या होगा, by 2F1-F0/F2, इसकी डेरिवेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं हमें क्योंकि हमारे MCQ की एग्ज़ाम है, into I, आप बस ध्यान रख लेना, L1+F1-F0/2F1-F0-F2 into I। अब मैं बताता हूँ आपको क्या, L1 तो पता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, आप जो भी सीरीज आपकी मॉडल आएगी A-B उसमें ये हो जाएगी लोअर लिमिट L1, जो भी मॉडल क्लास होगी जैसे मीडियन क्लास निकाले थे सेम सिचुएशन में है इसको ड्रॉ करना, ठीक है? अब देखिए, अब मान लीजिए जो मॉडल क्लास है उसके सामने कोई फ्रिक्वेंसी आई, उसके सामने कुछ जो फ्रिक्वेंसी आई वो हो गई F1, उसके पीछे जो आई वो F0, उसके आगे जो आई वो F2, कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं होगी, सिंपल सी बात है, जिस तरीके से मीडियन में कर रहे थे। अब चलते हैं हम लोग वेरिएशंस को किस तरीके से मेजर किया था ये देखते हैं। मान लीजिए 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है, 2 बंदे हैं, दोनों अलग अलग सिटी में गए हैं, एक दिल्ली एक पुणे, दोनों जाकर के डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करके आते हैं और जब वो आते हैं रिटर्न होते हैं अपने बेस कैंप पे तो देखते हैं दोनों बंदे ने जो भी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उसकी मीन मीडियन एंड मोड तीनों की जिनों सेम आ जा रही है। अब बताओ कि दोनों ऑब्जर्वेशंस को अलग कौन करेगा, तो जो उन लोगों को अलग करेगा ना उसको कहते हैं डिस्पर्शन, वो अलग करेगा डिस्पर्शन, वो कंसिस्टेंसी बताएगा कि कौन सा सेट ऑफ डाटा ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि हमें तो स्टैटिस्टिक में डाटा चाहिए तभी तो उस डाटा को लेकर अपनी कंपनी रन करेंगे ना। तो
डिस्पर्शन इस चीज़ को बताएगा कि कौन सा कंसिस्टेंसी ज़्यादा सही है। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग आखिर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या क्या है? एक है एब्सोल्यूट मेजर, बेसिकली इसमें ओरिजिनल यूनिट्स पे काम करेंगे, जैसे जिस भी सीरीज में ले रहे हैं उसकी ओरिजिनल यूनिट्स पे बात करेंगे, जैसे डिस्पर्शन ऑफ सैलरी इन रुपीज, इन डॉलर। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको दो बंदा है या दो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक में आप रुपीज में निकाल रहे हो, एक में डॉलर में कैलकुलेशन निकाल रहे हो, तो यहाँ पे तो इशू हो जाएगा ना। जब यहाँ पे इशू हो जाएगा कि आप निकाल तो रहे हो दोनों की सैलरी ही, लेकिन एक ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस करने का मतलब एन नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है उनको डॉलर्स में पे किया जा रहा है, किसी को रुपीज में पे किया जा रहा है, तब क्या करोगे? तब तो एब्सोल्यूट मेजर एक तरीके से हॉल्ट पे आ जाएगा। जब ये हॉल्ट पे आ जाएगा ना, तब हम लेके आएंगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और ये यूनिटलेस होता है। अब अगर बात करें एब्सोल्यूट मेजर का, एक टाइप्स होता है वो देख लेते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चारों उसके टाइप्स हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसी एब्सोल्यूट मेजर में रिलेटिव कंसेप्ट लगाने की कोशिश करें, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को जानने की कोशिश करें, तो सिंपल कुछ नहीं है, उसमें कोएफिशिएंट टर्म ऐड कर दीजिएगा, कोएफिशिएंट रेंज, कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा रिलेटिव मेथड का। ठीक है, मैं बस इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूँ कि आप जब नाम सुनो एग्जाम में तो घबराओ मत। ठीक है, आपको लगे कि हाँ मुझे ये पता है, ऑप्शन को स्लोली टीच करो और उसको टिक करो। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे रेंज क्या होता है। वैसे अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज एंड डोमेन आपको समझ में आता होगा, कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंड्रीज। ठीक है, बेसिक अगर हम लोग डिस्पर्शन को जानने की कोशिश करें ना, तो रेंज एक बहुत बढ़िया तरीका है उसको जानने का। रेंज क्या होता है? रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जैसे मान लो मिनिमम 0 रुपीज़ मिले आपको, मैक्सिमम 30 रुपीज़ मिले। ठीक है, तो रेंज हो जाएगा 30 माइनस 0, दिस इज़ द रेंज। अगर इसी में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने की बात करें, एग्जाम में पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग रेंज के बारे में, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दीजिएगा उस सीरीज में से। अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो देखिए एक सिंपल तरीका बताते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो रेंज होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो उसको वैसे ही रहने दीजिएगा, मैक्सिमम माइनस मिनस ऊपर का वैसी तरीके से रहने दीजिएगा, नीचे का कीजिएगा इस माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा, बस मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ये हो जाएगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। आई होप कि आपको क्लियर होगा इन चीज़ों के बारे में। देखिए मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब मुझे मैं बहुत बड़ा वो मतलब कहते हैं ना टीचिंग का हैबिट मुझे उतना है नहीं, तो अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत एरर हो जाता होगा तो आप उसको खुद से कंपनसेट कर लीजिएगा, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है उसको अपने में ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी थोड़ा बहुत गलती होता है कहीं पे भी, क्योंकि मैं टीचिंग में उतना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं हूँ, तो फिर आप मैनेज कर लेना उसको। ठीक है, अब देखिए कोई फॉर कंटिन्यूस सीरीज की बात कर ले हम लोग, जिस तरीके से रेंज देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50। ठीक है, अब लोएस्ट क्या है इसमें? लोएस्ट है 0 और हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है 50। या फिर लोएस्ट आप क्या ले सकते हो? इस दोनों की पहली रेंज की मिड वैल्यू 5। हाईएस्ट क्या ले सकते हो? इस दोनों की मिड वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 45। ये भी ले सकते हो, वो भी एक रेंज डिफाइन कर देगा। एक होता है पार्शियल रेंज। पार्शियल रेंज क्या होता है? बेसिकली क्वार्टाइल जो रेंजेस होते हैं ना उसके बीच का रेंज को कहते हैं। जैसे मैंने आपको क्वार्टाइल के बारे में ऑलरेडी बताया, Q1, Q2, Q3। तो रेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्या है? Q3। मिनिमम क्या है? Q1। Q3 - Q1 इज रेंज। यही हो गया क्वार्टाइल रेंज की बात। अब अगर हम लोग क्वार्टाइल की डेविएशंस की बात करें तो ये हो जाएगा Q3 - Q1/2 कर दीजिए। बेसिक फार्मूले हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत नया चीज़ बताना पड़े या बहुत डिफरेंट चीज़ बताना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर लें। आपको पता है Q3 - Q1 तो हो गया डेविएशन, नीचे बस उसकी साइन चेंज कर दीजिए जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर किया था, Q3 + Q1 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला था, रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, नीचे बस उसको मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू कर दिए, डिवाइड कर दीजिए, हो गया कोएफिशिएंट। इसी तरीके से क्वार्टाइल की कोएफिशिएंट देख लीजिए, क्वार्टाइल डेविएशन के Q3 - Q1 हो गया हमारा क्वार्टाइल रेंज डेविएशन। अब कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? बस Q3 + Q1 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको अगर ये टर्म दिखेगा तो आप इसको नहीं मार दीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, बिल्कुल मार दीजिएगा, सुना ही तो होना है। अब बात करते हैं हम लोग मीन डेविएशन की।
तो बेसिकली इसको फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन भी कहते हैं या फिर एंगल डिस्पर्सन भी कहते हैं, बस इतना ही जानना है इसमें। इसकी फॉर्मूला जो दे रखा है 4 फीट में, उसको जानने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी आपको इस तरीके का हिस्टोग्राम दे दिया होगा, ठीक है, और कहेगा इसमें से मोड निकाल के दिखाओ, मोड आपको निकालना है। आप क्या करो ना, ऐसे हिस्टोग्राम में सबसे मिडल वाले सेंटर पहुंचो, इसके एज को पकड़ो, इस एज को पकड़ो, इस एज को पकड़ो, और इसको स्ट्रीट लाइन से यहाँ पे मीट करा दो, अपर एज से मीट करा दिए, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किए उसको ड्रॉप डाउन कर दो, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉप डाउन होगा वही होगा उसका मॉड। अब एक टर्म आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, ये क्वेश्चन आपको मैं गेस कर दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा तो, नहीं भी पूछा तो पहली प्रायोरिटी इस क्वेश्चन पे ही रखिएगा। मॉड क्या होता है, 3 median - 2 mean, इसको याद कर लीजिए अभी के अभी, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 3 median - 2 mean। अगर आपको मोड में जाना है तो 32 लाना होगा, इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। अब एक टर्म होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वाइज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो इसमें से क्वेश्चन नहीं बननी है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, इसकी बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इक्वल्स टू समेशन एक्स, जितने ऑब्जर्वेशन हैं बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर रूट ओवर, ये हो गया आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें एक टर्म आता है डेविएशन, जिसको हम लोगों ने अभी देखा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे एक्स माइनस ए से, ठीक है। अगर आपको बोल दे एक क्वेश्चन कि डेविएशन एट पॉइंट 6 पे निकालो, तो आपको डेविएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन माइनस 6। डेविएशन एट सेंटर बोल दे, सेंटर का मतलब ए 0 हो जाएगा, तो डेविएशन इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा ऑब्जर्वेशन के बराबर, ठीक है। अब एक टर्म होता है वेरियंस, वेरियंस जो होता है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, वेरियंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर वेरियंस, क्लियर है। अब बात करते हैं एक और फॉर्मूले की, देखिए यहां से फॉर्मूले आपको ध्यान रखना होंगे। अगला टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बस नॉर्मल सा फॉर्मूला अगर याद रख पाइएगा तो रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मिलेगा आप टिक कीजिएगा। अब आखिर यूज क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, स्टेबल मेजर होता है किसी भी वेरिएबिलिटी का, जिसको हमें क्लास होती है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में देखते हैं, यह 100 times कोएफिशिएंट होता है किसी भी डिस्पर्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसको भी आप एक तरीके से एमसीक्यू लेवल से ही देखो, मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ कौन कौन सा, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन, एक वेरिएंस, एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन जो होता है ना, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन क्या हो गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ ना, इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 100 times कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएशंस, तो 4 standard deviation इज इक्वल्स टू 5 mean इज इक्वल्स टू 6 quartile deviation। तो अब आप इसकी बस रिलेशनशिप जान लीजिए डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएशंस के, 4 of standard deviation इज इक्वल्स टू 5 of mean deviation एंड 6 of quartile deviation, तो बस कुछ नहीं है इसमें, 4, 5, 6, ठीक है, SMQ, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कुर्टोसिस एंड मोमेंट समझते हैं, पहले स्क्यूनेस के बारे में जानेंगे, फिर कर्टोसिस जानेंगे, उसके बाद मोमेंट्स जानेंगे। सबसे पहले स्क्यूड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके एक ये ऑब्जर्वेशन है, एक स्टैटिस्टिक ग्राफ है आपके पास ये, अब ये क्या है, जब आप इसको सेंटर से एक पॉइंट को एक्सटेंड करोगे, ये इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को कहते हैं बेल शेप, ठीक है। अब देखिए जब इसको सेंटर से आप एक्सटेंड करके ला रहे हो, तो आप देख रहे हो कि इस साइड का जो इमेज बन रहा है, फिगर बन रहा है, वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक कहने का मेरा मतलब ये हुआ
कि जो डायग्राम जो फिगर इस डायरेक्शन में बन रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है, इसको अगर हाफ कट करते हैं हम कैची से तो ये हो गया सिमेट्रिक बेल डायग्राम। और किसी भी सिमेट्रिक डायग्राम के ना मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड होता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, इस बात को समझ के याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, अगर नॉर्मल बेल शेप्ड है और कंसिस्टेंट है तो वो स्क्यूड नहीं है, तो ये यहाँ पे इस कंडीशन में मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर स्क्यूड हो जाता है तो या तो राइट की तरफ झुकेगा या लेफ्ट की तरफ झुकेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्राफ इस तरीके से नहीं बन के मान लीजिए इस तरीके से बन रहा है, तो ये हो गया स्क्यूड ग्राफ, ये एसिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर हम इसको बीच से कट करते हैं तो जितना एरिया ये कवर कर रहा है क्या इतना एरिया ये कवर कर रहा है, क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पार्ट नहीं कर रहा है ना, तो ये एसिमेट्रिकल पार्ट है, एसिमेट्रिकल स्क्यूड फंक्शन है। अब जो स्क्यूड डाटा होता है वो दो तरीके का होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एकदम बनता ही बनता है, वो होता है एक पॉजिटिवली स्क्यूड, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड। अगर समझिए जब बात करेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड की, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जब आप मूव कीजिएगा ना तो आपको वो ग्राफ स्क्यूड मिलेगा, तिरछा मिलेगा, एक तरीके से अनशेप्ड मिलेगा। तो आप इधर मूव करना शुरू किए इस डायरेक्शन में, तो जैसे मूव करना ये तो सही जा रहा था लेकिन आप यहाँ पहुँचे तो ये इस तरीके से धस गया, तो ये आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए एक्स एक्सिस के तो आपको ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड हो गया, मीन मीडियन मोड, सबसे बड़ा मीन हो गया फिर मीडियन हो गया फिर मोड हो गया। अब देखिए ये पॉइंट हो गया मोड वाला पॉइंट, ये वाला, उसके बाद हो गया मीडियन वाला पॉइंट, फिर हो गया मीन वाला पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको अगर स्क्यूड फंक्शन मिलता है तो उसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। यहाँ पे मीन छोटा होता है फिर मीडियन छोटा होता है उसके बाद मोड सबसे बड़ा होता है, मीन का फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, मीडियन यहाँ मोड यहाँ, हमेशा याद रखिएगा पीक के पास मोड मिलेगा, उस तरीके से सजा लीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कोई भी फंक्शन कोई भी कर्व स्क्यूड है या नहीं है, तो अगर स्क्यूड है तो मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड मिल गया, अगर असिमेट्रिकली स्क्यूड है तो मीन नॉट इक्वल्स टू मीडियम नॉट इक्वल्स टू मोड हो जाएगा। अब हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं स्क्यूनेस को ये समझिए देखते हैं, तो एक मेथड होता है कार्ल पियर्सन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड करते हैं। अब अगर मान लीजिए कंडीशन यह है कि अगर मीन मोड के बराबर हो जाए तो स्क्यू नहीं होगा, जीरो हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि देखिए स्क्यूनेस इक्वल्स टू मीन माइनस मॉड, अगर मीन इक्वल्स टू मॉड हो जा रहा था स्क्यूनेस जीरो आ जा रहा है, तो वहां पे फंक्शन स्क्यूड नहीं है, सिमेट्रिकल पार्ट है। अब अगर मान लीजिए मीन ज्यादा बढ़ा जा रहा है मॉड से, तो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे ही बता रखा है पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, मीन ग्रेटर देन मॉड ग्रेटर देन मीन ग्रेटर देन मीडियन देन ग्रेटर देन मॉड, तो यहाँ वही कंडीशन हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ओरिजिनल डाटा आपको फेच हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस फंक्शन में मीन लेस देन मॉड हो जा रहा है तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा स्क्यूनेस का, नेगेटिव स्क्यूनेस आ जाएगा, सीधी सी बात है, सिंपल इक्वेशन। तो ये ध्यान रखिएगा कार्ल पियर्सन मेथड होता है ये, जिससे हम लोग स्क्यूनेस को डिटरमाइन करते हैं डिफाइन करते हैं। अगर हम लोग बात करें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, मैंने आपको बताया था ना कोएफिशिएंट जब भी आए कोएफिशिएंट टर्म कहीं भी हो उसमें क्या करते हैं, जो उसकी फॉर्मूला है मीन माइनस मोड उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अगर स्क्यूनेस की बात करेंगे तो नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इस बात का यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना है आपको, ठीक है। और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो होता है उसको जे से प्रेजेंट करते हैं, मीन माइनस मोड जो उसका बेसिक फार्मूला हो गया, नॉर्मली यहाँ प्लस होना चाहिए नॉर्मल फार्मूले में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को करते हैं एक्स बार से, मॉड को करते हैं जेड से, दोनों को घटा दो बाय सिग्मा से डिवाइड कर दो। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये पता है ना
मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इवन दो आपने स्टैटिस्टिक मैंने जितना पढ़ा है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना ही है एग्जाम में, 3 माइनस 2 मोड में आना है तो 32 रुपये लेके आओ, बस इस तरीके से याद कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी वैल्यू को भी आप डाल सकते हो, मॉड की जगह ये वैल्यू पुट कर दो और मीडियन के टर्म में एक्सप्रेस कर लो। एक चीज़ याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है ना जे, वो हमेशा उसकी वैल्यू लाई करती है -3 से लेकर +3 तक। ये क्वेश्चन आपको MCQ में बनेगा, उसकी वैल्यू लाई करती है -3 से +3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्यूनेस को भी जान गया, उसके मेजरमेंट को भी समझ लिया, पॉजिटिव स्क्यूड नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस जान लिया, ठीक है। अब एक मेथड होता है बॉयल्स मेथड, बॉयल्स मेथड यह आपको देखिए, कार्ल्स मेथड क्या था, मॉड और मीन के बीच में रिलेशन बता रहा था एक तरीके से देखा जाए तो। बॉयल्स मेथड क्या करता है, वो रिलेशन बताता है आपको मीडियन एंड टू क्वार्टाइल्स के बीच में। क्वार्टाइल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है कि किसी भी एक लाइन सेगमेंट को तीन भाग में, तीन स्लाइस कीजिए, चार पार्ट हो जाएगा, क्वार्टाइल हो गया 4 समझ लीजिए। तो अगर हम लोग इस मेथड से देखें तो स्क्यूनेस क्या होता है, जे से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्वार्टाइल यूज़ करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, Q3 माइनस Q1 यही तो रेंज होता है, मैक्सिमम क्वार्टाइल मिनिमम क्वार्टाइल। अब इसमें क्या करेंगे ना, Q3 जो मैक्सिमम क्वार्टाइल है उसमें से मीडियन को माइनस करेंगे, माइनस फिर मीडियन लाएंगे, फिर क्वार्टाइल को माइनस कर देंगे। आपको याद कर लेना है इसको। अगर मान लीजिए इस सेगमेंट को हम लोग ए कह देते हैं, इस सेगमेंट को बी कह देते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू Q3 माइनस मीडियन। वैसे भी अगर आप, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चलिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये मान लीजिए क्वार्टाइल हो गया Q1 Q2 Q3, ये तो मीडियन होता ही है ना, होता है। तो यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ, इस दोनों को माइनस करो, Q3 माइनस मीडियन, फिर माइनस Q1 माइनस मीडियन, वही तो हो रहा है, मतलब मीडियन माइनस Q1, क्योंकि मीडियन ज़्यादा पोजिशन पर है, आगे की तरफ है, समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए, हाँ मैं इसको पूरे को ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ए ग्रेटर देन बी हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्यूनेस, ए लेस देन बी हो रहा है या बी ग्रेटर देन ए हो जा रहा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर हम लोग फिर कोएफिशिएंट की बात कर लें तो ये वाला सेगमेंट को पूरा उठा के ऊपर रख दीजिए, Q3 माइनस ME, मीडियन माइनस Q1, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसको बस इंटरचेंज कर दो पॉजिटिव से। अब देखिए कार्ल्स मेथड से स्क्यूनेस की रेंज कितनी थी, -3 से +3, यही याद रखना है आपको, कार्ल्स मेथड से -3 से +3 थी उसकी रेंज स्क्यूनेस की। लेकिन अगर हम बात करें बॉयल्स मेजर्स की तो यहाँ इसकी रेंज लाई करती है -1 से +1। अब एक लास्ट मेथड है, इसकी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, उसे एक बार देख लीजिएगा। एक होता है केलीज मेथड, यह बताता है रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन एंड 19th परसेंटाइल के बीच में। तो इसकी स्क्यूनेस कैसे निकलेगी, P90 - P10 - 2P50/2 कोएफिशिएंट, बस इसको P90 - P10 से डिवाइड कर दो। इसको आप छोड़ के भी जा सकते हो, लेकिन अगर देखना है तो देख लेना, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, कहीं मान लो रेयर स्पेसीज है ये सब, पूछ दे तो लगा देना। अब आता है कुर्टोसिस, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझ लीजिए, यह एक पहली कर्व आप ले लीजिए, इसकी क्या है, बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है बट इसकी हाइट कम है। सेकंड वाली की ले लेता हूं मैं, तो सेकंड वाली ये हो गई, रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि क्लियरली विजिबल हो, सेकंड वाली ये हो गई, ठीक है। अब एक और तीसरी को ले लेता हूं, ये हो गई। इससे क्या पता चल रहा है आपको, जितना ज़्यादा आपकी डाटा की बैंडविड्थ कम होते जा रही है, हाइट उसकी उतनी बढ़ते जा रही है। जो सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ वाला, जिसकी हाइट सबसे कम है, उसको कहते हैं प्लेटियोकुर्टिक, और मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा। बीच वाले को कहते हैं मेजोकुर्टिक, और सबसे बड़े वाले को कहते हैं लेप्टोकुर्टिक। ये तीनों का नाम याद रख लीजिएगा, LMP याद रखिएगा, ठीक है, या फिर PML याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर जी का लोगो, कुछ भी याद करिएगा, लेकिन ये याद होना चाहिए कौन लेप्टोक्रिटिक पहले आएगा सबसे टॉप वाला, फिर मेजोक्रिटिक होगा, फिर प्लेटोक्रिटिक होगा, प्लेटियोक्रिटिक होगा, ठीक है। अब देखिए केलीज मेजर से कोएफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस निकालते हैं, Q3 माइनस Q1 बाई 2 P90 माइनस P10
माइनस एक इस फैक्टर को एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि स्क्यूनेस अलग अलग हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, उसकी विड्थ आगे पीछे हो रही है। अब इसके डेरिवेशन पर मैं जाऊँगा नहीं, और अगर मैं जाता हूँ या कोई भी फैकल्टी जा रहे हैं उसको उनकी वीडियो को देखना छोड़ दो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ये डिमांड नहीं करता है। अगर इसमें के की वैल्यू जीरो डाल दें तो मेजोक्रिटिक हो जाएगा, के ग्रेटर देन जीरो डालें तो प्लेटिकुटिक हो जाएगा, के लेस देन जीरो तो लेप्टोक्रिटिक हो जाएगा। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। अब एक टर्म होता है मोमेंट्स, ठीक है। अब देखिए मोमेंट क्या होता है ना, ये एक बेसिक डेविएशन होता है, मतलब मीन का भी डेविएशन हो सकता है। हो सकता है कोई डाटा ऐसा हो जो मीन से भी डेविएट कर रहा है, उसके लिए मोमेंट्स निकालते हैं। उसमें कुछ फैक्टर्स निकालेंगे, v1 v2 डॉट 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 vn तक। v1 होगा जितने भी डेविएशन हैं उसका सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप मान लीजिए v1 में a की वैल्यू जीरो रख दिया हम डेविएशन में, तो डेविएशन क्या होता है, x माइनस a, तो a जीरो हो गया, तो सम ऑफ x बाय n क्या होता है, यही तो मीन होता है ना x बार। तो अगर हम लोग डेविएशन को मीन पे देखें तो वो नॉर्मल मीन हो जाएगा। इसी तरीके से v2 क्या होता है, v2 जो होता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय n हो जाएगा। इसी तरीके से vn करेंगे तो समेशन डी टू द पावर n बाय n हो जाएगा। अब हम लोग मोमेंट्स पढ़ते क्यों हैं, तो हम लोग को बेसिकली हेल्प करता है टू स्टडी डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। अगर पहली क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, फर्स्ट मोमेंट अबाउट जीरो बताओ, तो ए की वैल्यू जीरो कर देना, तो उसी को उससे आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। अगर आप मान लो सेकंड वेरिएशन को जीरो कर दो तो v2 क्या आ रहा है आपको, v2 को समेशन डी स्क्वायर है, तो आप क्या लिख सकते हो, x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब मान लो सेकंड डिवीजन जीरो कर दो, तो सेकंड डिवीजन जब जीरो करने जाओगे ना तो सेकंड सेंट्रल मोमेंट जो आएगा ना वो वेरियंस बताएगा। अगर थर्ड मोमेंट की बात कर लें तो वो आपको बताएगा स्क्यूनेस। बस आपको यही याद रखना है यहाँ पे। अगर फर्स्ट मोमेंट को हम जीरो करते हैं तो अरिथमेटिक मीन मिलता है, सेकंड मोमेंट को जीरो करते हैं तो वेरिएशन मिलता है, वेरिएंस मिलता है, थर्ड मोमेंट को जीरो करते हैं तो हमको स्क्यूनेस मिलता है, ठीक है। अच्छा एक टर्म और इसमें प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर होता है, पढ़ना होता है। मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि आप नॉर्मल सीसेट वाले में उसको पढ़ के जाओगे, क्योंकि मैथ्स में भी वो मैथ्स में ज़्यादा पूछता है, यहाँ कम पूछता है, उसको आप पक्का कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सैंपल्स जो भी आप उठा रहे हो, बेसिक किसी भी कहीं पे भी एक वीडियो होगी एक डेढ़ घंटे की, उसको सुन लेना। बेसिक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, बाकी कर लोगे आप। बेस थ्योरम आता है उसमें, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव जो आउटकम्स होते हैं वो देख लीजिएगा, डेक ऑफ कार्ड्स देख लीजिएगा, डाइस का प्रॉब्लम देख लीजिएगा कुछ, ठीक है। चलिए तो मैं प्रोबेबिलिटी पार्ट को इसमें नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं इसको डालूंगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर, जो कि जरूरत नहीं है। अब एक टर्म होता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, लगभग लास्ट ही है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन क्या होता है? बेसिकली कोरिलेशन एंड रिग्रेशन क्या करता है ना, ये रिलेशन बताता है दो वेरिएबल के बीच में, जैसे सप्लाई वर्सेस डिमांड। मान लीजिए आपकी फील्ड में डिमांड बहुत बढ़ गई है, ठीक है, तो आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर दो वेरिएबल आपस में एक दूसरे से वेरिएट चेंज हो रहे हैं, आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तो वहां पे बात होगी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की। अगर x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, दो वेरिएबल जैसे सप्लाई एंड डिमांड, तो यहां पे होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। अगर x घट रहा है y भी बढ़ रहा है तो भी नेगेटिव कोरिलेशन होगा, कोई एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। अगर मानिए x के बढ़ने या घटने से y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मान लीजिए बारिश के मौसम में रेनकोट की कमी हो गई और हम लाके उनको दे रहे हैं पैजामा, तो कोई यूज है, कोरिलेशन होगा? पैजामा आप कितने भी लाके रख दो, क्या वो फुलफिल कर पाएगा रेनकोट का सब्स्टिट्यूट? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, तो वहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है। अब देखिए मेथड्स ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, एक होता है स्कैटर डायग्राम। अगर इस तरीके से प्लॉट आगे की तरफ मूव करे तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये जो कोरिलेशन है ना, जो अभी भी वीडियो खोज रहे हैं कि विल दिस वीडियो बी सफिशियंट, शुड आई प्रैक्टिस इट फ्रॉम हियर और देयर, वो नो कोरिलेशन पे दौड़ रहे हैं, मतलब उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब एक होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसकी रेंज -1 से लेकर +1 तक लाई करती है।
और आर डिफाइंड होती है इस फॉर्मूले से, आर इक्वल्स टू समेसन एक्स माइनस मीन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, पहला वेरिएबल एक्स मान लो, दूसरा वेरिएबल वाई मान लो, सेकेंड हो जाएगा मीन वाई माइनस वाई डैश जो कि मीन ऑफ वेरिएबल वाई हो गया, बाई इसी को नीचे लाओ, रूट अंडर चढ़ा दो इस पर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस इंटू रूट अंडर समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। याद रहे ठीक, नहीं याद रहे तो ये याद रखना कि आर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन लाई करती है और आर होता है कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है तो परफेक्टली कोरिलेट कर रहा है, दैट इज एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हो रहा है। आर जीरो हो रहा है तो नो कोरिलेशन, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। अब एक टर्म आता है प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन। अगर मानिए ये बेसिकली बताएगा आपको रिलेशन बिटवीन सैंपल ऑब्जर्वेशन एंड पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको बता दिया ये पूरा पॉपुलेशन है, आप उसमें से एक सैंपल कट करके ऑब्जर्व कर रहे हो, पूरे की पूरे को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो पॉपुलेशन पे तो पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन हो गया, अगर आप सिर्फ सैंपल पे काम कर रहे हो तो सैंपल ऑब्जर्वेशन हो गया। तो एक बात बताओ मुझे, कौन एक्यूरेट होगा? एक बंदा जैसे कि हंगर इंडेक्स निकलता है इंडिया का, जिस तरीके से फ्रीडम लिवेबिलिटी इंडेक्स निकलता है, जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकलता है, मान लो एक एग्जांपल में, हालांकि प्रेस में फ्रीडम तो इंडिया में है भी नहीं और सारे के सारे प्रेस चापलूस हैं, हर लोग कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, ठीक है। अब ये बात कीजिए कि आप एक क्लास में जाके पाँच बंदों को उठा के पूछिएगा और आपको क्लास की नेचर समझ में आएगी, या फिर इंडिविजुअली हर बच्चों के पास जाके पूछोगे तब समझ में आएगा। कोई भी बता देगा कि इंडिविजुअली हर के पास जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, आप पॉपुलेशन को डील कर रहे हो और सैंपल को डील कर रहे हो, उसी को जानने के लिए प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन को लगाते हैं। तो प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय रूट एन, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मान लो आर की वैल्यू आ गई लेस देन प्रोबेबल एरर तो कोरिलेशन नहीं है, अगर आर की वैल्यू 6 टाइम प्रोबेबल एरर आ गई तो यह हाईली सिग्निफिकेंट है, अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में लाई कर गई तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते हो कांट से। तो जो भी हो एक चीज़ समझ लीजिए, जितनी स्टैटिस्टिक आपको चाहिए थी उतनी मैंने आपको दे दी है, इससे ज़्यादा आप कहीं मत करना। अगर कोई बोल दिए थे कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा मत करना, ठीक है, क्योंकि पेपर पूरा करना है आपको। स्टैटिस्टिक मैंने आपको जितनी दी है इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, कुछ गलती हुआ हो तो यार पहले ही माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि देखो मिस्टेक्स तो होंगे क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस काम में, हाँ मैं लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा हॉबी भी रहा है शुरू से, मैं बहुत बार पढ़ाया भी हूँ लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप सामने वो लग के टैब लगा के या फिर किसी चीज़ करके, तो कुछ गलतियाँ हों तो देख लेना। और वैसे भी यार आप खुद सोचो, मतलब स्टैटिस्टिक और ये सब पार्ट एकदम डिफरेंट था, यूपीएससी प्रीलिम्स के जस्ट बाद मैंने इसको प्रिपेयर करना शुरू किया है, तो आप समझ लो कितना टाइम था मेरे पास, लेकिन मैंने इसको प्रिपेयर भी किया और आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की और सब कुछ किया। और दूसरी चीज़, आप लोग मेरे चैनल को शेयर भी कर दो, ठीक है, शेयर करना बनता है यार, आप लोग कुछ तो करो, ठीक है, थैंक यू।